देखिए, अब फिजिक्स में एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन। ठीक है, रोटेशनल मैकेनिक्स बहुत ही सिंपल सा ये टॉपिक है और बस समझ में थोड़ा सा ध्यान से थोड़ा सा समझना है। एक बार समझ लोगे तो बहुत ही आसान सा हो जाएगा। ठीक है, जनरली बच्चे इसको थोड़ा सा हार्ड मानते हैं, मगर ये हार्ड नहीं है। बस फिजिक्स में कुछ भी हार्ड नहीं है, सिर्फ अगर आप थोड़ा सा क्या करें, चीज़ों को समझें कि कहाँ से फॉर्मूला डेराइव हो रहा है। फॉर्मूले को रटने की कोशिश ना करें, ठीक है, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि वो कहाँ से कैसे क्या डेराइव हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये रोटेशनल मैकेनिक्स का ये बेसिक सा टॉपिक है, ये पहला जो लेक्चर है उसमें कुछ बेसिक सी बातें हैं। उसके बाद इस लेक्चर के बाद हम क्या करेंगे, इसे फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये रोटेशनल मैकेनिक्स का एक बेसिक सा लेक्चर है, इसे जीरो लेक्चर कहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो रोटेशनल मैकेनिक्स में कुछ बातें आप समझिए। जैसे एक बात करें कि रिजिड बॉडी और फ्लेक्सिबल, या कह सकते हैं नॉट रिजिड बॉडी क्या है। तो ए बॉडी इन विच डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैन नॉट बी चेंज्ड, इट कॉल एज रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी क्या है, ऐसी बॉडी जिसमें किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच में जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, वो क्या रहे, कॉन्स्टेंट रहे, वो चेंज ना हो, तो क्या कहलाएगी, वो रिजिड बॉडी। अगर वेयर एज द बॉडी इन विच द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैन बी चेंज्ड इज कॉल्ड एज ए नॉन रिजिड बॉडी। हाँ, अगर दो पॉइंटों के बीच में जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, अगर वो चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो फिर उस केस में वो क्या कहलाएगी, वो रिजिड बॉडी नहीं होगी, वो फिर कहलाएगी नॉन रिजिड बॉडी। क्लियर? तो बहुत सिंपल सी बात हुई कि जिस बॉडी में दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस चेंज कर सकती है तो वो क्या कहलाएगी, नॉन रिजिड बॉडी। और जिस बॉडी में दो पॉइंटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं कर सकती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, रिजिड बॉडी। ठीक है, चलिए जैसे एग्जांपल की बात करें, अगर हम रिजिड बॉडी की बात करें, जैसे कोई भी रॉड हो, ठीक है, आयरन की कोई रॉड है, कोई डिस्क है, ठीक है, तो उनके किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच में सेपरेशन डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। जैसे नॉन रिजिड बॉडी का एग्जांपल ले लें, चेन है, चेन को आप क्या है, आपने गले में कोई चेन पहन रखी है तो उसको आप, उसकी डिस्टेंस आप कैसे भी रख सकते हैं, ठीक है, या बैलून है या रबर है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये जैसे कोई स्ट्रिंग है तो उसमें सेपरेशन आप क्या कर सकते हैं, कैसे भी तोड़ मोड़ सकते हैं, उसको घुमा सकते हैं इधर से, किसी भी तरीके से आप उसको क्या कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं, जिससे डिस्टेंस क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, नॉन रिजिड बॉडी। इन दिस चैप्टर वी हैव टू गोइंग स्टडी अबाउट द रिजिड बॉडी ओनली। तो इस चैप्टर में रोटेशनल मैकेनिक्स में केवल और केवल हम किसके बारे में पढ़ेंगे, रिजिड बॉडी के बारे में। तो जब भी किसी कोई ऑब्जेक्ट ले रहे हैं रोटेशनल मैकेनिक्स में, तो समझ लेना वो रिजिड बॉडी होगी, ठीक है। रिजिड बॉडी मीन्स समझ गए कि दो ऐसी बॉडी जिसके किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस हमेशा क्या रहे, फिक्स रहे, वो चेंज ना हो। अब हमें इसके बारे में समझिए, हमने अभी तक जो मोशन है, ट्रांसलेशन मोशन हमने पढ़ लिया इससे, रोटेशनल मैकेनिक्स से पहले। तो ट्रांसलेशन मोशन वर्सेस रोटेशनल मोशन के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं। तो हम वर्सेस कर रहे हैं किसके बीच में, ट्रांसलेशन और रोटेशनल के बीच में। इफ द रिजिड बॉडी मूव इन सच ए वे दैट द लाइन ड्रॉइंग ऑन रिजिड बॉडी डज नॉट चेंज इट ओरिएंटेशन एज द फंक्शन ऑफ टाइम, देन द मोशन इज सेड टू बी ट्रांसलेशन मोशन। मतलब क्या है, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझिए, अगर रिजिड बॉडी पे खींची गई, ड्रॉ की गई कोई भी लाइन, अगर क्या है, उस लाइन की जो ओरिएंटेशन है, रिजिड बॉडी पे खींची गई, ड्रॉ की गई कोई भी लाइन की ओरिएंटेशन मतलब उसकी जो डायरेक्शन है, वो टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रही है। अगर वो हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल रहे और वर्टिकल है तो वर्टिकल है, वो चेंज नहीं हो रही है, तो समझ लीजिए जो मोशन होगा रिजिड बॉडी में वो क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशन मोशन। और एक बार बता दूं सिंपल सी तरीके से, देखिए, अगर किसी भी रिजिड बॉडी पे कोई भी ड्रॉ की गई लाइन मोशन, अगर कोई रिजिड बॉडी में मोशन इस टाइप से है, अगर रिजिड बॉडी में जो मोशन हो रहा है, अगर वो मोशन इस टाइप से है कि उसमें, उस पे ड्रॉ की गई कोई भी लाइन अगर वो टाइम के साथ में वेरी नहीं कर रही, उसकी टाइम के साथ में उस लाइन की ओरिएंटेशन मीन्स उसकी डायरेक्शन क्या है, टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रही, तो इस टाइप का जो मोशन है रिजिड बॉडी में वो क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशन मोशन। क्लियर हो गई बात? तो रिजिड बॉडी में ऐसा कोई भी मोशन
जिसकी वजह से उस पे ड्रॉ की गई कोई भी लाइन की ओरिएंटेशन टाइम के साथ में वेरी नहीं कर रही है, चेंज नहीं कर रही है, तो वो कहलाएगा, तो उस समय क्या कहलाएगी कि रिजिड बॉडी ट्रांसलेशन मोशन में है। दूसरा, एंड इफ इट चेंज इट्स ओरिएंटेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम देन द मोशन इज सेट टू बी ओरिएंटेशन। तो अगर रिजिड बॉडी पे ड्रॉ की गई जो लाइन है उसकी ओरिएंटेशन टाइम के साथ में चेंज हो रही है, अगर रिजिड बॉडी किसी मोशन में है तो फिर इस टाइप का जो मोशन है वो क्या कहलाएगा, रोटेशनल मोशन। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, तो एग्जांपल देखें ट्रांसलेशन मोशन का। हमारे पास ये कोई रिजिड बॉडी है, इस बॉडी पे हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, इस बॉडी पे एक लाइन क्या कर दी, ड्रॉ कर दी है। अब इस रिजिड बॉडी में अगर मोशन हो रहा है और मोशन के साथ में इस लाइन की जो ओरिएंटेशन है वो चेंज नहीं हो रही है, तो फिर ये जो मोशन है कैसा मोशन कहलाएगा, ट्रांसलेशन मोशन। ये इनिशियली भी वर्टिकल में है और फाइनल भी क्या है, ये वर्टिकल में है। इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी जो ओरिएंटेशन है वो चेंज नहीं हो रही है, तो ये जो मोशन है किस रिजिड बॉडी का वो क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशन मोशन, क्योंकि इस पर जो ड्रॉ की गई लाइन है उसकी ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रही। बात करें रोटेशनल मोशन की, अगर रिजिड बॉडी पे हमने कोई वर्टिकल एक लाइन ड्रॉ की है और इस रिजिड बॉडी में मोशन इस तरीके से हो रहा है कि इसकी जो लाइन है उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज। देखिए, पहले ये वर्टिकल थी और अब ये थोड़ा सा क्या हो गई है, इंक्लाइन हो गई है, ना ये वर्टिकल रही ना ये हॉरिजॉन्टल रही। तो इसका मतलब है कि इस केस में जो रिजिड बॉडी में जो मोशन होगा वो मोशन कैसा होगा, रोटेशनल होगा। ठीक है, तो अगर जो लाइन ड्रॉ की गई है रिजिड बॉडी पे, अगर उसकी ओरिएंटेशन, उसकी जो डायरेक्शन है, अगर वो चेंज होती है मोशन के साथ, तो फिर जो मोशन है वो क्या कहलाएगा, रोटेशनल मोशन कहलाएगा। ठीक है, और अगर ये डायरेक्शन चेंज नहीं होती तो वो ट्रांसलेशन मोशन। तो मोशन ऑफ द पैसेंजर इन ये क्या है, जाइन व्हील इज रोटेशनल। ये कह रहा है कि कोई भी हमारे पास ये व्हील है, इस व्हील पे अगर कोई पैसेंजर क्या है मूव कर रहा है, तो उसका जो मोशन है वो कैसा कहलाएगा, ट्रांसलेशन मोशन। जैसे किसी भी कार में कोई व्हील लगा है, या किसी साइकिल में कोई व्हील लगा है, साइकिल का व्हील ले लीजिए, तो साइकिल में जब व्हील मूव करेगा तो साइकिल पे जो पैसेंजर बैठा होगा या कोई भी मैन बैठा होगा, तो वो उसमें जो मोशन होगा वो कैसा होगा, ट्रांसलेशन मोशन। मगर व्हील के जो स्पोक हैं, यानी कि व्हील का जो मोशन होगा, व्हील के जो स्पोक हैं, वो जो स्पोक हैं वो क्या कैसा मोशन करेंगे, वो रोटेशनल मोशन करेंगे। स्पोक क्या हुई, एक तरीके से एक लाइन हुई किसी भी रिजिड बॉडी पे, और इसकी डायरेक्शन लगातार ओरिएंटेशन क्या हो रही होगी, मोशन के साथ चेंज हो रही होगी। ये स्पोक थोड़ी देर में यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ, तो इसकी डायरेक्शन लगातार ओरिएंटेशन चेंज हो रही होगी, तो जो स्पोक का मोशन है वो क्या कहलाएगा, रोटेशनल मोशन। और जो व्हील है, यानी कि व्हील का जो पैसेंजर है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ट्रांसलेशन मोशन। चलिए और थोड़ा सा कुछ डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस किसके बीच में, ट्रांसलेशन और रोटेशनल मोशन के बीच में जो फाइनल डिफरेंस अगर बना, तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसके बेसिस पे हम कुछ डिफरेंस देख रहे हैं। क्या है जी, ट्रांसलेशन मोशन में क्या है, एनी लाइन ड्रॉ ऑन द रिजिड बॉडी डज नॉट चेंज इट्स ओरिएंटेशन। तो रिजिड बॉडी का जो मोशन है वो ट्रांसलेशन मोशन कहलाएगा, अगर उस पे ड्रॉ की गई लाइन की ओरिएंटेशन चेंज टाइम के साथ में नहीं हो रही है। ठीक है, एनी लाइन ड्रॉ ऑन द रिजिड बॉडी डज नॉट चेंज इट्स ओरिएंटेशन। ठीक, दूसरा, और इस केस में क्या होगा, ट्रांसलेशन मोशन के केस में हर एक पॉइंट, रिजिड बॉडी के हर एक पॉइंट की वेलोसिटी और हर एक पॉइंट का जो एक्सीलरेशन है वो क्या होगा, सेम होगा, सेम फॉर ऑल पॉइंट्स। तो अब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन किसमें, ट्रांसलेशन मोशन में, ऑल पॉइंट्स का सेम होगा, किस केस के लिए, रिजिड बॉडी के लिए। तो रिजिड बॉडी में जितने भी पॉइंट होंगे उन हर एक पॉइंट की वेलोसिटी और एक्सीलरेशन क्या होगा, सेम होगा, ट्रांसलेशन मोशन के केस में। दूसरा, द बॉडी मूव्स पैरेलल टू इटसेल्फ, और बॉडी अपने आप ही क्या, अपने आप के ही क्या होगी, पैरेलली क्या करेगी, मूव करेगी। मतलब कहने का मतलब है कि अगर बॉडी ट्रांसलेशन मोशन कर रही है, कह सकते हैं बॉडी लीनियर मोशन कर रही है, तो बॉडी के हर एक पार्टिकल्स भी क्या होंगे, लीनियर मोशन में होंगे। क्लियर, तो बॉडी मूव्स पैरेलल टू इटसेल्फ का मतलब समझ गए कि इसमें अगर एक पॉइंट का मोशन लीनियर मोशन है, तो ओवरऑल पॉइंट का भी मोशन कैसा होगा, लीनियर होगा, और वो सब क्या होंगे, पैरेलल होंगे एक दूसरे के। ऑल पॉइंट्स फॉलोज द आइडेंटिकल ट्रेजेक्टोरी, ये कह रहा है ऑल पॉइंट्स फॉलोज आइडेंटिकल ट्रेजेक्टोरी, यानी कि बॉडी के हर एक पॉइंट का जो मोशन है वो पैरेलल होगा, और हर एक पॉइंट की जो ट्रेजेक्टोरी है मोशन की वो भी क्या होगी, आइडेंटिकल होगी, सेम होगी। ट्रेजेक्टोरी मतलब पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल,
तो हर एक पार्टिकल, रिजिड बॉडी का हर एक पार्टिकल क्या है, सेम पाथ फॉलो करेगा, नहीं कि बिल्कुल एक ही ज्योमेट्री का पाथ फॉलो करेगा, किसमें, ट्रांसलेशन मोशन के केस में। चलिए रोटेशनल में देख लें, एनी लाइन ड्रो ऑन द रिजिड बॉडी चेंज इट्स ओरिएंटेशन, उसमें लाइन की ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रही थी, इसमें कह रहा था, इसमें कहेगा कि लाइन की ओरिएंटेशन क्या हो रही है, चेंज। अगर रिजिड बॉडी में जो मोशन है अगर वो रोटेशनल मोशन है तो उस पर जो लाइन ड्रॉ की गई है उस लाइन की ओरिएंटेशन यानी कि डायरेक्शन लगातार क्या होगी, चेंज होगी टाइम के साथ में। दूसरा, इस केस में हर एक पॉइंट की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या था, सेम था, किसमें, ट्रांसलेशन मोशन में, मगर रोटेशनल मोशन में हर एक पॉइंट की वेलोसिटी और हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट फॉर डिफरेंट पॉइंट्स, तो अगर रोटेशनल मोशन है तो रोटेशनल मोशन के केस में रिजिड बॉडी के हर एक पॉइंट की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगी, डिफरेंट होगी। दूसरा, इस केस में क्या था, ट्रांसलेशन मोशन के केस में बॉडी मूव्स पैरेलल टू इटसेल्फ, यानी कि हर एक पार्टिकल जो है, हर एक पार्टिकल का मोशन एक दूसरे के पैरेलल था। इसमें क्या होगा, बॉडी मूव इन सर्कुलर मोशन, इसमें जो बॉडी है वो सर्कुलर मोशन में होगी, या कह सकते हैं कि बॉडी के हर एक पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, सर्कुलर मोशन। अगर रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन में है तो उस बॉडी के हर एक पॉइंट का, हर एक पार्टिकल का जो मोशन है वो कैसा हो जाएगा, सर्कुलर मोशन होगा उस, ठीक है। चलिए, तो उसमें पैरेलल मोशन आता था, इसमें क्या आएगा, सर्कुलर मोशन। डिफरेंट ट्रेजेक्टोरीज फॉर डिफरेंट पॉइंट्स, इस केस में क्या था, ट्रांसलेशन मोशन के केस में हर एक पॉइंट की ट्रेजेक्टोरी क्या थी, सेम थी, इसमें हर एक पॉइंट की ट्रेजेक्टोरी क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। यानी कि मोशन में हर एक पार्टिकल डिफरेंट पाथ क्या करेगा, फॉलो अप करेगा। देखिए अब बात करते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, अगर कोई भी रिजिड बॉडी रोटेशन मोशन में है तो वो एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग क्या करती है, रोटेट करती है। जैसे अगर आप व्हील के सोचें, व्हील के बारे में सोचें, किसी भी साइकिल का एक व्हील है तो साइकिल के व्हील में क्या होता है, एक धुरी लगी होती है, एक कील लगी होगी, जिस कील के थ्रू वो पूरा पहिया, पूरा व्हील क्या करता है, रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है। तो वही जो धुरी है वो जिसे बोलते हैं एक्सल, ठीक है, तो वही क्या कहलाती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाती है, जो साइकिल के पहिए का, साइकिल के व्हील का एक्सल होता है, ठीक है। चलिए, तो व्हेन ए रिजिड बॉडी परफॉर्म रोटेशनल मोशन देन ऑल द पॉइंट्स ऑफ द रिजिड बॉडी मूव इन ए सर्कुलर पाथ। ये आपको मैंने पॉइंट अभी बताया था, अगर कोई भी रिजिड बॉडी क्या है रोटेशनल मोशन में है तो उसके हर एक पॉइंट का जो मोशन है वो कैसा हो जाएगा, सर्कुलर, ठीक। तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट का मोशन क्या होगा, सर्कुलर होगा। द स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग सेंटर ऑफ ऑल द सर्कल्स इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो रिजिड बॉडी के हर एक पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, सर्कुलर होगा, और ये डिफरेंट डिफरेंट सर्किल बनेंगे, इन सर्किल के सेंटर से पास होने वाली जो लाइन है, ऑल सर्किल के सेंटर से पास होने वाली जो लाइन है वो ही क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे ये एक रिजिड बॉडी है, ये क्या कर रही है, मान लीजिए ये क्या कर रही है, ये मोशन दिखा रही है, ये रोटेशनल मोशन दिखा रही है, तो इसका ये पॉइंट ऐसे रोटेट कर रहा होगा, ये वाला पॉइंट देखूं तो ये ऐसे रोटेट कर रहा होगा, इस पॉइंट की बात करूं तो ये ऐसे रोटेट कर रहा होगा, इस पॉइंट की बात करूं तो ये ऐसे रोटेट कर रहा होगा, हर एक पॉइंट, इस पॉइंट की बात करेंगे तो ये रोटेशनल मोशन दिखा रहा होगा, तो इन सबका सेंटर ये है, तो इन हर एक पॉइंटों का जो मोशन है वो कैसा होगा, सर्कुलर, और हर एक सर्किल का जो सेंटर है उससे पास होने वाली जो लाइन है ये लाइन कहलाएगी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये क्या होगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगी। चलिए जी, अब बात करते हैं इसमें टॉर्क। टॉर्क क्या है, टॉर्क वो फोर्स होता है जो बॉडी को क्या करे, रोटेट करे। देखिए जनरली अभी हमने जो फोर्स पढ़ा था वो फोर्स क्या कर रहा था, बॉडी में ट्रांसलेशन मोशन करा रहा था। ऐसे फोर्स में क्या है, ऐसे फोर्स में क्या होगा, एक फोर्स ऐसा होता है जो क्या करता है, रोटेशनल मोशन कराता है। तो टॉर्क क्या करेगा, घुमाने का प्रयास करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी को घुमाने का प्रयास करता है, मतलब घुमा भी सकता है और नहीं भी, मगर प्रयास जरूर करता रहेगा। अगर कोई भी टॉर्क लग रहा है तो टॉर्क का काम होता है उसे रोटेट करने का प्रयास करना, यानी कि रोटेट करने की ट्राई करता रहेगा, ठीक है। चलिए, वो अलग बात है कि ऑब्जेक्ट बॉडी रोटेट कर जाए कि ना करे। जैसे अगर हम बात करें, कोई भी ये नट है, हमें क्या है, ये चाबी हम इस पे लगा के क्या करते हैं, उसको खोलते हैं। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, ये बॉल्ट है, एक इस बॉल्ट को हमें क्या करना है, खोलना है, और ये चाबी हमने क्या कर दिया, इसमें लगा दिया है, और ये इसका हैंडल है। इस चाबी पे अगर मान लीजिए मैं कोई एक फोर्स लगाऊं इस डायरेक्शन में, ठीक है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दिया एफ, जो हैंडल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा।
तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, अगर ये एंगल थीटा माना है तो इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा इधर कितना एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट डाउन हो जाएगा एफ साइन थीटा। चलिए ये क्या होगा, जब ये इसको मैं चाबी पे फोर्स लगाऊंगा तो ये नट घूमने की कोशिश करेगा यानी कि रोटेशन मोशन में आएगा, तो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं यहाँ होगी, ठीक है, और वो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगी, इसके प्लेन के क्या होती है, परपेंडिकुलर ऐसे होगी यहाँ कहीं अप द पेपर यानी कि वर्टिकल ऑफ द पेपर, अगर पेपर हॉरिजॉन्टल में तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगी इस पेपर के, वर्टिकल यानी कि परपेंडिकुलर होगी। चलिए तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है कौन कहाँ है, जो प्लेन ऑफ पेपर है यानी कि परपेंडिकुलर टू द पेपर है, पेपर के वर्टिकल, ठीक। अब हमने क्या करा इस, ये अगर ये फोर्स देखे तो इसमें दो, इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। एफ कॉस थीटा की जो एक्शन ऑफ लाइन है इस फोर्स की, ये जो फोर्स है जिस लाइन पे लॉन्ग एक्ट कर रहा है वो लाइन ये है गई, और ये जो एक्शन ऑफ लाइन है किसकी, एफ कॉस थीटा की, वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रही है। तो ये कह सकते हैं कि इस एफ कॉस थीटा की जो एक्शन ऑफ लाइन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, जीरो है। जीरो क्यों, क्योंकि इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन क्या कर रही है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रही है, या कह सकते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, एफ कॉस थीटा की जो एक्शन लाइन है उस एक्शन लाइन पे क्या कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन लाई कर रही है, कह सकते हैं इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, जीरो हो गई। तो फोर्स एफ कॉस थीटा की एक्शन लाइन और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में एंगल क्या, डिस्टेंस क्या हो गई, जीरो। तो इसकी वजह से तो कोई टॉर्क होगा नहीं। तो अब बात करें एफ साइन थीटा की, तो एफ साइन थीटा की जो एक्शन ऑफ लाइन है वो ये है इस लाइन के लॉन्ग, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन की एफ साइन थीटा फोर्स की जो एक्शन ऑफ लाइन है उसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी। अगर ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है, आर, तो ये क्या हो गई, आर हो गई। तो फोर्स कौन सा, एफ साइन थीटा, इसकी एक्शन ऑफ लाइन ये हुई इस कॉपी पे, और इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हुई यहाँ वर्टिकल, तो इनके बीच में जो मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस है, मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस क्या होगी, एक्शन ऑफ रोटेशन से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो कितनी आ रही है, आर। तो इसकी वजह से जो टॉर्क होगा, तो टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो कितना है, एफ साइन थीटा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस किसके बीच में, एक्शन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, या बोल देंगे उसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि दो पॉइंटों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, इनके परपेंडिकुलर, जो उनके उस दोनों पॉइंटों के बीच में जो परपेंडिकुलर होता है वो होता है। चलिए तो एफ साइन थीटा इंटू आर, तो इसे क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स किसके, एक्सिस ऑफ रोटेशन के। तो परपेंडिकुलर फोर्स हो गया, देखिए ये तो इसके अलोंग हो गया था और ये इसके क्या हो गया था, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर फोर्स इनटू डिस्टेंस, या उल्टा कह लो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कैसे वो देखिए जरा। तो यहाँ पे जो टॉर्क हो गया वो हो गया एफ इंटू आर, एफ कौन सा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर फोर्स किसके, एक्शन ऑफ रोटेशन के, ठीक, एक्सिस ऑफ रोटेशन के जो परपेंडिकुलर फोर्स है वो क्या हो गया, एफ साइन थीटा। तो टॉर्क हो गया एफ इंटू आर, एफ कौन सा, परपेंडिकुलर वाला। देखिए तो एफ परपेंडिकुलर क्या हो गया, फोर्स का वो कंपोनेंट, फोर्स का वह कंपोनेंट जो आर के क्या है, परपेंडिकुलर। क्लियर हो गई बात। चलिए यह एक और तरीका है, जैसे यहां देखिए आप ऐसे समझे, मेरे पास एक ये फोर्स था, मान लीजिए इस पे फोर्स लगाया मैंने एफ, एफ के इस डायरेक्शन में लगाया, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे अगर ये एंगल थीटा बना रहा है, और ये डिस्टेंस कितनी आर, और ये फोर्स लग रहा है, आपके फोर्स की डायरेक्शन डाउन की बजाय क्या ले ली, अप, तो ये फोर्स अप है, ठीक है। चलिए तो इसका एक कंपोनेंट होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप ऊपर लो डायरेक्शन या नीचे लो, कोई फर्क नहीं, अगर आप नीचे लेंगे तो बस डायरेक्शन इधर हो जाएगी और कुछ नहीं। चलिए इसकी फोर्स के दो कंपोनेंट होगा, अगर ये एंगल थीटा देखा तो ये हो गया एफ कॉस थीटा और ये हो गया एफ साइन थीटा। एफ कॉस थीटा तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है इसका, एफ कॉस थीटा का जो एक्शन ऑफ लाइन है यानी कि जिस लाइन पे फोर्स एक्ट हो रहा है वो लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रही है, तो कह सकते हैं एफ कॉस थीटा और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई, जीरो हो गई, ठीक। बात करें एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा ये है, और एफ साइन थीटा से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, अगर ये परपेंडिकुलर, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इसकी डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो क्या हो जाएगी, आर, या कह लो एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर फोर्स कितना हो गया, एफ साइन थीटा। तो एफ टॉर्क कितना होगा, अगर इसकी वजह से टॉर्क देखें तो क्या होगा, जीरो, क्योंकि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है। इसकी वजह से टॉर्क देखें तो एफ साइन थीटा इंटू आर। अब दूसरे तरीके से देखें, चलिए मैं फोर्स का कंपोनेंट नहीं तोड़ता, मैं फोर्स, ये मेरे पास फोर्स लग रहा है कितना, एफ, तो मैं इस एफ को एफ ही रहने देता हूँ। अब क्या करता हूँ, देखिए ये अगर मान लीजिए इसके कंपोनेंट नहीं लेता, मैं फोर्स के कंपोनेंट नहीं लेता, मैं एफ को एफ रखना चाहता हूँ। चलिए तो एफ की जो लाइन है, जिस लाइन का लॉन्ग फोर्स एक्ट हो रहा है वो ये लाइन है, इस लाइन का लॉन्ग फोर्स एक्ट हो रहा है। अब क्या करना है, तो ये फोर्स की जो एक्शन ऑफ लाइन है इस लाइन से एक्सिस ऑफ रोटेशन की मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस,
मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस कहो या परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहो, इस लाइन पे इस एक्सिस ऑफ रोटेशन की मिनिमम डिस्टेंस क्या ये होगी, क्या ये होगी, क्या ये होगी, क्या ये होगी, क्या ये होगी। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इस लाइन पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे जो डिस्टेंस आएगी यही क्या होती है, मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस होती है। 9th क्लास में आपने ये थ्योरम भी पढ़ी होगी और मैंने रोटेशनल स्ट्रेट लाइन मोशन में आपको इस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं कि दो पॉइंटों के बीच में जब रिलेटिव मोशन था तो मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस क्या होगी, वहां पे मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बताया था। चलिए तो ये फोर्स की एक्शन ऑफ लाइन हो गई और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन की इस फोर्स ऑफ एक्शन लाइन से मिनिमम डिस्टेंस वो क्या होगी, इसकी जो परपेंडिकुलर है इस एक्सिस से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए और ये जो परपेंडिकुलर आएगा यही क्या होगी, मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस होगी। तो मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस कहो या परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहो, किससे, फोर्स ऑफ एक्शन से। तो या तो परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन जो डिस्टेंस है उससे परपेंडिकुलर फोर्स ले लो या फोर्स के अलोंग क्या ले लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो, कोई सी एक चीज परपेंडिकुलर लेनी पड़ेगी। ठीक है चलिए, तो अगर हम डिस्टेंस ले रहे थे आर, तो इस आर का परपेंडिकुलर फोर्स लिया था एफ साइन थीटा, या आप अगर फोर्स को ले रहे हो तो फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी पड़ेगी ये। अब ये एंगल कितना था थीटा, तो ये कितना एंगल हो गया होगा 90 माइनस थीटा। इस आर का इसके ऊपर कंपोनेंट लूंगा, अगर ये थीटा होता तो कितना होता आर कॉस थीटा, मगर ये एंगल है कितना 90 माइनस थीटा, तो इस आर का इसके ऊपर कंपोनेंट कितना हो जाएगा आर कॉस थीटा। अगर ये देखिए ये एंगल होता थीटा तो ये होता आर कॉस थीटा, मगर ये एंगल है कितना 90 माइनस थीटा, ऐसे कह लो। अगर ये एंगल थीटा है तो इस आर का इसके ऊपर ये कंपोनेंट कितना होगा आर कॉस थीटा और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा आर साइन थीटा, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आर साइन थीटा। समझ में आ रही बात नहीं, ये डिस्टेंस है आर, ये एंगल है थीटा, तो इस आर का इसके ऊपर कंपोनेंट लूंगा तो आर कॉस थीटा और इसके ऊपर लूंगा तो आर साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई आर साइन थीटा। तो आपके टॉर्क क्या लगा देंगे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी आर साइन थीटा। तो देखिए क्या हो गया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मगर दोनों ही केस में आप देखें तो रिजल्ट मैग्नीट्यूड कितना आएगा एफ आर साइन थीटा, वहां भी एफ आर साइन थीटा आ रहा था और यहां भी, उसमें एफ साइन थीटा इंटू आर था, इसमें क्या है एफ इंटू आर साइन थीटा। तो या तो फोर्स परपेंडिकुलर लो या डिस्टेंस परपेंडिकुलर लो फोर्स के, या फोर्स परपेंडिकुलर लो किसके, डिस्टेंस के। ठीक है चलिए, तो समझ में आ गई बात, ये जो आर था इसको मैंने तोड़ा, तो इस आर का अगर ये एंगल थीटा है तो इस आर का इसके ऊपर कंपोनेंट लेंगे तो आर कॉस थीटा और दूसरा वाला क्या हो जाएगा आर साइन थीटा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई किसके, फोर्स ऑफ एक्शन के, या ये फोर्स की लाइन है और फोर्स की लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई थी आर साइन थीटा। यहाँ पे क्या था ये डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस थी आर और आर के परपेंडिकुलर फोर्स कौन था एफ साइन थीटा। तो या तो एफ साइन थीटा इंटू आर ले लो या एफ इंटू आर साइन थीटा ले लो, ठीक है, दोनों ही तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो आर टी क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की डिस्टेंस है किससे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और इस डिस्टेंस को भी लिखना सही रहेगा या तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस या मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखो या लिखो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन की, एक्सिस ऑफ रोटेशन की फोर्स ऑफ एक्शन ऑफ लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या क्या बोल सकते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट ओवर द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो फ्रॉम द पॉइंट कौन सा, एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला जो पॉइंट है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पॉइंट से एक्शन ऑफ फोर्स लाइन पे क्या करें परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो उस परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वही क्या है आर है। तो समझ गए आर टी क्या है, तो आर परपेंडिकुलर क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन ओवर द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक्शन ऑफ फोर्स की लाइन पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, उस परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वही क्या है आर है। अब टॉर्क भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी जो डायरेक्शन है वो कैसे निकलेगी, जो आपने मैंने एक्सियल वेक्टर बताया था वेक्टर चैप्टर में, उसकी अगर हम क्या करेंगे को रोटेशनल वेक्टर के बारे में मैंने वहां आपको बताया था, उसकी जो डायरेक्शन है हमेशा क्या होती है एक्सियल के लोंग, अगर आप क्या करेंगे, अगर आप उसको क्या कर रहे होंगे क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो डायरेक्शन कहाँ जाएगी डाउनवर्ड, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कहाँ आएगी अपवर्ड। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे हम डायरेक्शन निकाल लेंगे। तो डायरेक्शन क्या होगी, यानी कि विजुअल एनालिसिस कह सकते हैं या कह सकते हैं कॉमन सेंस से आप निकाल सकते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या जाएगा डाउनवर्ड और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कहाँ जाएगा अपवर्ड।
तो ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो कैसा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन क्या होती है हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। नोट पॉइंट है कुछ, ये कह रहा है द टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी एज इट कॉजेज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो क्या है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, मतलब वेक्टर एडिशन को फॉलो करेगा। लाइक ये कह रहा है लाइक अदर वेक्टर, लाइक अदर वेक्टर टॉर्क आल्सो फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जैसे वेक्टर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो करते हैं, वैसे ही क्या कह रहा है कि टॉर्क भी क्या करेगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप जानते हैं, किसी भी एक पॉइंट पे अगर क्या है वेरियस फोर्स लग रहे हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है वो क्या आता है, उनके वेक्टर सम के इक्वल आता है। सेम कहानी वही, अगर किसी भी पॉइंट पे आप वेरियस टॉर्क लग रहे हैं तो जो नेट टॉर्क आएगा उस पॉइंट पे वो वेरियस टॉर्क के वेक्टर सम के, इंडिविजुअल टॉर्क के वेक्टर सम के इक्वल होगा। इसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चलिए बात करें टॉर्क ऑफ ए फोर्स। टॉर्क ऑफ ए फोर्स इज डिफरेंट अबाउट द डिफरेंट पॉइंट इन स्पेस। ये कह रहा है किसी भी एक पर्टिकुलर फोर्स की वजह से जो टॉर्क है वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे उसकी वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंट डिफरेंट आएगी। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसमें हमने तीन पॉइंट कंसीडर कर लिए ए बी सी, तो उस फोर्स का टॉर्क अबाउट द ए यानी कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो किस पे मान रहे हैं, ए पॉइंट पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन बी पॉइंट पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन सी पॉइंट पे। तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से अगर हम लेंगे तो उसके जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किससे, एक्शन ऑफ फोर्स लाइन से, एक्शन ऑफ फोर्स लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट। तो उस केस में टॉर्क क्या आ जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट। तो ये कह रहा है किसी भी एक फोर्स का जो टॉर्क है वो डिफरेंट पॉइंट पे क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। तो टॉर्क ऑफ ए फोर्स इज डिफरेंट अबाउट द डिफरेंट पॉइंट इन स्पेस। ठीक है, तो एक ही फोर्स की वजह से जो टॉर्क है वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, किसमें, स्पेस में। टॉर्क ऑफ ए फोर्स वेरिएबल अबाउट All the points lying on the line of action. तो जो लाइन ऑफ एक्शन के डिफरेंट डिफरेंट यानी कि फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑफ ये कह रहा है टॉर्क ऑफ ए फोर्स वेरिएबल अबाउट ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन ऑफ एक्शन। तो लाइन ऑफ एक्शन पे जो पॉइंट हैं उन पॉइंटों पे क्या होगा, जो किसी भी एक फोर्स का जो टॉर्क है वो वेरिएबल होगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे जो टॉर्क है वो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो फोर्स ऑफ लाइन ऑफ एक्शन पे जो डिफरेंट डिफरेंट हम पॉइंट ले रहे हैं तो उन डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे किसी भी एक पर्टिकुलर फोर्स की वजह से जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, वेरिएबल होगा यानी कि डिफरेंट होगा। ठीक है, जैसे अब एक एग्जांपल देखें, हमारे पास मान लीजिए ये क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई रिजिड बॉडी है जिसकी लेंथ ये हमें दे रखी है, इस पे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने मानी, इस पॉइंट के अबाउट हमें क्या निकालना, टॉर्क निकालना है। और इस ऑब्जेक्ट पे तीन फोर्स लगे हैं, एक F1 जो 10 न्यूटन का है, एक F2 जो कितना है 15 न्यूटन का है, और एक F3 जो 5 न्यूटन का है। ठीक है, तीनों फोर्सों की डायरेक्शन दे रखी है, इन तीनों फोर्सों की वजह से हमें टॉर्क निकालना है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये देखिए ये फोर्स कैसा है हॉरिजॉन्टल, और ये जो डिस्टेंस है ये कैसी है वर्टिकल, तो इनके बीच में एंगल कैसा हो गया 90। तो ये फोर्स है 10 और ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है उसने इससे 1 मीटर। यहाँ देखें ये फोर्स कैसा है हॉरिजॉन्टल और डिस्टेंस क्या हो गई वर्टिकल, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगी और ये डिस्टेंस दे कितनी रखी उसने 4 मीटर। ये फोर्स है हॉरिजॉन्टल और ये जो डिस्टेंस है कैसी है वर्टिकल, और ये भी कितनी दे रखी उसने 1 मीटर। ठीक है, चलिए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्ट हमें दे रखी है, तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी क्या हो गया 1, क्योंकि थीटा कितना दे दिया उसने 90। तो इसकी वजह से अगर हम टॉर्क देखें इस एक्सिस को रोटेशन, ये फोर्स लगेगा इधर, तो ये कैसे, जहां ये फोर्स है आप एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां है इसके डाउन, तो इस फोर्स की टॉर्क नीचे घुमा देंगे तो ये कैसे आएगा, क्लॉकवाइज। इसकी बात करें ये फोर्स है इधर और इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां है इससे ऊपर है, तो ऊपर को घूम जाएंगे तो ये भी कैसा घूम गया, क्लॉकवाइज। ये फोर्स लग रहा है इधर, इधर जा रहा है, और इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर नीचे होती तो नीचे घूम जाता, और एक्सिस ऑफ रोटेशन ऊपर है तो ऐसे घूम जाएगा, कैसा घूम गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसकी वजह से क्लॉकवाइज, इसकी वजह से क्लॉकवाइज, और इसकी वजह से क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, इनकी इनकी वजह से जो रोटेशन है वो कैसी आ रही, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब डाउनवर्ड, और ये कैसा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसकी वजह से टॉर्क आएगा अपवर्ड।
तो इन दो की वजह से आएगा डाउनवर्ड और इस अकेले की वजह से आएगा अपवर्ड, तो ये दो प्लस होंगे और ये क्या होगा उसमें से माइनस होगा। डायरेक्शन आप अपवर्ड वाली प्लस मान लो कि डाउनवर्ड वाली प्लस मान लो वो आपकी मर्जी है। इसको प्लस मानोगे, इसको प्लस, तो इसका मतलब डाउनवर्ड वाला प्लस हो गया और अपवर्ड वाला क्या हो जाएगा माइनस। अगर आप इसको प्लस मानते हो तो वो क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। चलिए मैं इसको प्लस एज्यूम कर लेता हूं, इसकी डायरेक्शन को प्लस, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन सेम है और कैसी है क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे मतलब डाउनवर्ड टॉर्क आएगा। तो ये अगर इसको प्लस मान रहा हूं तो ये भी प्लस होगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। चलिए अगर हम बात करें इसकी वजह से टॉर्क, तो अगर हम टॉर्क देख रहे हैं तो टॉर्क अगर मैं निकालूं तो इसका फोर्स कितना होगा टेन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है ये वन, और ये भी कैसा हो गया प्लस का प्लस। ये फोर्स कितना है फिफ्टीन और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई वन, तो ये भी वन इंटू, ये कैसा आएगा माइनस का, कितना होगा जी 15 इंटू डिस्टेंस कितनी है 4। तो यहां से अगर हम टॉर्क देखें तो कितना आ गया प्लस का 10, यहां से कितना आ गया प्लस का 15 और यहां से कितना आ गया माइनस का 20। तो कुल अगर हम सोल्व करें इसको तो ये कितना आ गया 25 माइनस 20, तो कितना आ गया प्लस का 5। और डायमेंशन क्या होगी अगर हम बात करें इसकी यूनिट की, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस है यानी कि न्यूटन मीटर। क्लियर, नेक्स्ट। और देखिए एक ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, एक रिजिड बॉडी है, इसकी इस पर एक एक्सिस ऑफ रोटेशन मानी है, इसके अबाउट हमें क्या निकालना है टॉर्क निकालना है किन फोर्स की वजह से। ये तीन फोर्स हैं, एक फोर्स 10 न्यूटन का ये है जो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है 37, एक फोर्स ये है 25 न्यूटन का जो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है 37, एक फोर्स ये है 20 न्यूटन का जो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनते दिखाई दे रहा है 53। ठीक है, चलिए इस फोर्स के पहले कंपोनेंट ब्रेक करिए, इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में आप ले आओ। ठीक, इसको क्यों तोड़ूं, अगर मैं हॉरिजॉन्टल में तोड़ूंगा तो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगी सीधे, और ये दे रखी उसने इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी डिस्टेंस ये कितनी है यहाँ 4 मीटर। ठीक है, और ये कितनी है 1 मीटर, और ये दे रखी उसने 2 मीटर। तो इसका दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, और जो वर्टिकल होगा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा होगा तो उसकी वजह से टॉर्क जीरो हो जाएगा। ऐसी इसमें इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक ये और एक ये, और ये वर्टिकल होगा वो इसी के एक्सिस ऑफ रोटेशन से होगा तो उसकी वजह से टॉर्क जीरो हो जाएगा। ऐसी इसमें भी दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, जो वर्टिकल होगा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई करेगा तो उसका फोर्स क्या उसकी वजह से टॉर्क क्या हो जाएगा जीरो। तो देखिए केवल मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल दूं तो इस टेन का इसके ऊपर कंपोनेंट देखूं तो इस डायरेक्शन में होकर क्या हो जाएगा टेन कोस 37, तो टेन जिससे एंगल बन रहा है उससे क्या आएगा कोस, तो टेन कोस 37, तो ये होगा टेन कोस 37 होगा, यहाँ साइन 37 नहीं। ठीक है, तो ये अगर हम बात इसको ब्रेक करेंगे तो क्योंकि ये फोर्स कहाँ है इस डायरेक्शन लग रहा है तो इसका कंपोनेंट होगा, एक तो कंपोनेंट हो जाएगा कोस और एक हो जाएगा साइन, जिससे एंगल बन रहा है उससे कोस, तो टेन कोस क्या हो जाएगा ये। तो देखिए तो इस टेन का अगर हम कंपोनेंट देखें एंगल कितना 37, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा इसके अगर ये लॉन्ग कंपोनेंट देखें तो टेन कोस 37 होगा ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये टेन कोस 37, कोस 37 की वैल्यू क्या होती है कोस 37 की वैल्यू होगी 4/5, तो 5 से ये कट होगा 2 बार और ये कितना हो जाएगा 8 न्यूटन, तो ये 8 न्यूटन आ जाएगा यहाँ। ठीक है, चलिए इसकी बात करें इस फोर्स ये 25 है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, देखिए ये डायरेक्शन है तो इसके अलोंग ये तो हो जाएगा कॉस और ये क्या हो जाएगा साइन, जो वर्टिकल आएगा वो तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही होगा तो क्या हो जाएगा ये इसकी वजह से तो टॉर्क जीरो होगा, तो उसे वर्टिकल को काउंट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल देख लो। तो कितना हो जाएगा अगर ये 25 है तो इसका एंगल कितना 37, तो क्या हो जाएगा 25 cos 37, वैल्यू बात करें तो 25 cos 37 होगा 4/5, 5 से 25 जाएगा 5 बार और 5 4 कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। इसकी बात करें ये 20 का कंपोनेंट इसके ऊपर कितना आएगा 20 cos 53, 20 तो 20 है cos 53 होगा 3/5, तो 5 से 20 जाएगा 4 बार और 4 3 का कितना होगा 12, तो ये 12 न्यूटन। अब देखिए ये जो फोर्स है ये फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में और इसकी एक्सिस रोटेशन क्या है इसके ऊपर है, तो ये ऊपर को घूम जाएगा, तो ये कैसे घूम गया एंटी क्लॉकवाइज, ये फोर्स ऊपर है एक्सिस ऑफ रोटेशन नीचे है, तो ये कैसे घूमेगा नीचे को घूमेगा, तो ये भी कैसा घूम गया एंटी क्लॉकवाइज। इसकी बात करें फोर्स है अप और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है डाउन, और फोर्स की डायरेक्शन ये है इधर, तो ये कैसे घूम गया क्योंकि नीचे को क्यों जाएगा क्योंकि नीचे ही एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ऊपर होती कहीं तो ऊपर को जाता है ऐसे, तो ये फोर्स है इधर और ये कहाँ है एक्सिस ऑफ रोटेशन नीचे, तो कैसे घूम गया क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज अगर आप इसको प्लस मानोगे तो इन दोनों को क्या मानना पड़ेगा माइनस, क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा, तो इसकी बात करें फोर्स की तो ये होगा 8 इंटू डिस्टेंस कितनी है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4, तो ये 8 होगा यहाँ,
ठीक है, 8 × 4 माइनस, क्योंकि ये माइनस का है, अब ये भी माइनस का है, तो माइनस का क्या होगा 20 × ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है उसने 1 मीटर, तो 20 × क्या होगा ये डिस्टेंस, देखिए यहाँ से अगर हम एक्सिस रोटेशन देखें तो ये कितनी है 1 मीटर होगी, तो 1 ले लीजिए। चलिए यहाँ बात करें इसकी, तो इसमें अगर हम बात करें तो ये कितना है 12, और ये भी कैसा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी माइनस का, तो माइनस का होगा 12 × डिस्टेंस कितनी है, सेपरेशन कितनी है 2, तो 12 × 2। अब तो सोल्व कर लेंगे, यहाँ से अगर हम बात करें तो 8 × 4 कितना हो जाएगा 32, ठीक है, माइनस ये कितना आएगा 20, माइनस ये कितना आएगा 24, तो कितना हो गया ये 32 माइनस कितना हो जाएगा 44, सोल्व कर लेंगे इसे माइनस होके, माइनस का आएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा माइनस का 12 न्यूटन, क्लियर। चलिए 12 न्यूटन मीटर, क्योंकि टॉर्क निकाल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है ए प्रोजेक्टाइल ऑफ मास एम इज फायर्ड विद वेलोसिटी यू, एक प्रोजेक्टाइल है जिसका मास m है, वो इनिशियली फायर्ड कर दिया गया कितनी वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो एक m मास का एक पार्टिकल है जिसको प्रोजेक्ट कर दिया गया इनिशियल स्पीड u से हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाते हुए, थीटा बनाते हुए। तो कह रहा है फाइंड आउट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट टाइम t, तो t समय बाद पार्टिकल पे टॉर्क बताइए, किसके अबाउट बताइए, तो जब उसने किसी के पॉइंट के बारे में नहीं दे रखा तो इसका मतलब किस पॉइंट के बारे में पूछ रहा होगा, उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क पूछ रहा होगा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन यानी कि जहां से इसको फेंका गया। तो हमने एक पार्टिकल m मास का u स्पीड से हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाते हुए, थीटा बनाते हुए थ्रो कर दिया। मान लीजिए t समय बाद वो किसी इस पॉइंट पर पहुंच गया जिस पॉइंट पर कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट कितना x और y कोऑर्डिनेट कितना है y, ठीक। चलिए इन कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल लें, ये अगर हमने क्या करा है प्रोजेक्टाइल में अगर पार्टिकल को यू स्पीड से एंगल थीटा के साथ प्रोजेक्ट किया गया है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा यू कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा यू साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में तो कोई एक्सेलेरेशन होता नहीं मगर वर्टिकल कंपोनेंट में एक्सेलेरेशन होगा कितना माइनस का जी, ग्रेविटी एक्सेलेरेशन माइनस का जी क्योंकि स्पीड कहाँ है अपवर्ड और वेलोसिटी कहाँ लग रही होगी डाउनवर्ड। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखूं तो हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करूं तो हॉरिजॉन्टल मोशन में टी समय में इसके कोऑर्डिनेट इनिशियली 0 0 थे और टी समय बाद कितना कोऑर्डिनेट हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, 0 से कितना हो गया एक्स हो गया, तो एक्स इजिकल टू क्या होगा यू टी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यू तो कितना है यू, यू टी यू कितना है यू एक्स, यू एक्स तो कितना हो गया एक्स एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट कितना होगा यू कॉस थीटा और टाइम कितना है टी प्लस 1y2at² क्या हो जाएगा 0 क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में इसका कोई भी एक्सेलेरेशन इसमें नहीं है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल में भी मैंने आपको पढ़ाया है। तो ये क्या हो गया x कोऑर्डिनेट हो गया u cos थीटा इंटू टी। वाई कोऑर्डिनेट की बात करें वर्टिकल मोशन की बात करें तो y इजिकल टू होगा यू वाई टी माइनस 1y2at² तो यू वाई तो कितना हो गया u sin थीटा इंटू टी, एक्सेलेरेशन कितना होगा माइनस का जी इसलिए माइनस आ गया माइनस 1y2 और कितना एक्सेलेरेशन होगा जी होगा डाउनवर्ड तो जी टी स्क्वायर, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया वाई कोऑर्डिनेट आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, वो कह रहा है इस पॉइंट पे टॉर्क निकालना किसके अबाउट, इस ओ पॉइंट के अबाउट। तो इस पॉइंट पे फोर्स कौन सा होगा, इसका वेट होगा, इस पार्टिकल का जो वेट है डाउनवर्ड होगा एम जी, तो ये वेट लगेगा डाउनवर्ड लगेगा कितना एम जी, तो फोर्स ऑफ एक्शन तो होगा ये और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यही तो परपेंडिकुलर होगा और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कौन सी एक्स कोऑर्डिनेट ही तो है ये और एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया यू कॉस थीटा, तो बस रखिए। तो टॉर्क क्या होगा फोर्स इंटू डिस्टेंस और फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स कितना है एम जी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई फोर्स ऑफ एक्शन से वो कितनी हो गई एक्स और एक्स की वैल्यू कितनी है जी यू कॉस थीटा इंटू टी। तो जो टॉर्क होगा इस प्रोजेक्टाइल इस पार्टिकल का टी समय बाद किसके पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट वो कितना होगा एम जी यू कॉस थीटा इंटू टी। नेक्स्ट ये कह रहा है ए रॉड एक यूनिफॉर्म रोड है ए यूनिफॉर्म रोड यहाँ पे रोड भी कैसी है यूनिफॉर्म ए यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास एम एंड लेंथ एल इज लाइंग अगेंस्ट ए स्मूथ वॉल एक स्मूथ बॉल से टकरा के रखी हुई है ठीक है एक स्मूथ बॉल के सहारे वो रखी हुई है मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाते हुए थीटा बनाते हुए इफ द फ्लोर ऑन विच द रोड इज
लाइंग, यू कह रहा है ये जो रॉड है जिस हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखी हुई है वो क्या है, रफ है, यानी कि स्मूथ नहीं है। दीवार तो स्मूथ हो गई मगर जो सरफेस है वो रफ है, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स वहाँ होगा, फ्रिक्शन कोफिशेंट होगा कोई। एंड हॉरिजॉन्टल और बिल्कुल सर जो फ्लोर है वो रफ है और बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। देन फाइंड आउट द टॉर्क ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द रोड अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास एज वेल एज इट्स टू एंड्स। तो ये कह रहा है इस रोड पे आपको क्या बताना है, टॉर्क बताना है किसके अबाउट, एक तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट और एक दोनों एंड्स के अबाउट, किसकी वजह से, इस रोड पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सब फोर्स की वजह से आपको क्या बताना है, टॉर्क बताना है। तीन पॉइंटों पे, कौन से, एक तो सेंटर ऑफ मास पे और एक उसके दोनों एंड्स पे। तो देखिए ये एक रॉड हो गई और ये क्या है, एक वॉल हो गई जो स्मूथ है, वर्टिकल वॉल है जो एकदम क्या है, स्मूथ है। एक ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर हो गया और जिससे रोड का एंगल कितना बना रहा है, थीटा, ठीक। अब देखिए एक तो इसका ये यूनिफॉर्म रोड है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो एकदम मिडिल में रहेगा। अगर ये रोड की लेंथ कितनी दे रखी उसने एल, तो सेंटर ऑफ मास एकदम इसके मिडिल में होगा क्योंकि यूनिफॉर्म रोड है, तो एल वाई टू ये होगा और एल वाई टू ये होगा। अगर ये टोटल एल है तो सेंटर ऑफ मास इसके मिडिल में होगा, यानी कि डिस्टेंस एल वाई टू ये और एल वाई टू ये, ठीक है। तो इस सेंटर ऑफ मास पे अब ये इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ये पॉइंट होगा, इसको मैं बोल देता हूँ बी, तो इस एंड को बोल देता हूँ ए, इस सेंटर ऑफ मास को बोल देता हूँ बी और इस एंड को बोल देता हूँ सी। ये तो पता चल गया कि सेंटर ऑफ मास एकदम मिडिल में होगा क्योंकि रोड क्या है, यूनिफॉर्म है। चलिए इसका जो यानी कि सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है कि होल इस रोड का होल जो होल मास है वो क्या होगा, इस पॉइंट पे एक्ट होगा, वो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, कितना mg। अब यहाँ देखिए ये क्या होगा, इस ये पॉइंट इस पे यहाँ कोलाइड करेगा, ये पॉइंट इस पे कॉन्टैक्ट में आएगा किसके, हॉरिजॉन्टल फ्लोर के, तो यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी इस रॉड पे। कैसे लगेगी नॉर्मल रिएक्शन, ये पॉइंट ऑफ एक्शन है, यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है जहाँ पे ये कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। अब जो नॉर्मल फोर्स है वो क्या होता है, जो भी देखिए दो सरफेस जब आपस में कॉन्टैक्ट में आती हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में मैंने आपको बताया है, जब दो सरफेस आपस में कॉन्टैक्ट में आती हैं तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो सरफेस कॉन्टैक्ट सरफेस की क्या होती है, परपेंडिकुलर। अब इसकी इस कौन सी कॉन्टैक्ट सरफेस, कौन सी सरफेस लेनी, जो हॉरिजॉन्टल है, यानी कि जो फ्लैट सरफेस है, तो ये फ्लैट सरफेस है, इस फ्लैट सरफेस के परपेंडिकुलर क्या लग गई होगी, कि नॉर्मल रिएक्शन, जिसको नाम बोल दिया N1। ऐसे यहां देखें ये दोनों आपस में कॉन्टैक्ट में आए तो यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। अब नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, कौन सा सरफेस लेना है, जो फ्लैट है, ये तो फ्लैट है नहीं रोड का पॉइंट, तो ये फ्लैट है तो इसके परपेंडिकुलर ये एक नॉर्मल रिएक्शन लग गई N2, ये हॉरिजॉन्टल हो गई N2 और ये वर्टिकल हो गई N1, ठीक। एक इसका वेट हो गया डाउनवर्ड mg। अब इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इसकी टेंडेंसी होगी डाउनवर्ड स्लिप करने की, क्योंकि ये स्मूथ है तो ये डाउनवर्ड स्लिप करेगी। ये जब ये डाउनवर्ड आएगा तो ये पॉइंट इधर भागेगा कहीं, जैसे ही नीचे आएगा तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, इधर। इसकी टेंडेंसी स्लिप करने की है इधर। अब इसकी टेंडेंसी इधर स्लिप करने की, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ एक्ट होगा, तो इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो स्लिपिंग का क्या करता है, हमेशा अपोज करता है, तो इधर एक फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। तो इस रोड पे कितने फोर्स हो गए, चार फोर्स हो गए, N1, N2, mg और एक ये फ्रिक्शन फोर्स, क्लियर। और ये तीन पॉइंट हो गए A, B, C, जिस पे मुझे क्या निकालना है, टॉर्क। मैं पहले टॉर्क A के अबाउट निकाल लेता हूँ, तो A यानी कि अबाउट A, तो टॉर्क निकाल लें अबाउट A, तो इस पॉइंट के अबाउट निकाल लें, मतलब ये पॉइंट क्या हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई। तो इसी पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन पर लगने वाले जो फोर्स है उनकी वजह से तो टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि वो उसी पॉइंट पर एक्ट हो रहे हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से टॉर्क जीरो हो गया ये पॉइंट पर, और N1 की वजह से जीरो हो गया। बचा किसकी वजह से, N2 की और mg की वजह से। mg डाउनवर्ड है और रोटेशन ऑफ एक्सिस कौन है, A, तो A के, तो ये जब फोर्स नीचे लग रहा है तो इधर को घूमेगा कि इधर को, तो जिधर एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इधर घूम जाएगा। कैसा घूम गया, क्लॉकवाइज। ये फोर्स लग रहा है इधर, तो ये फोर्स गई लाइन इधर, ये फोर्स यहां जा रहा है तो ये ऊपर को घूमे कि नीचे को, जहां तो एक्सिस ऑफ रोटेशन नीचे है तो नीचे को घूमेगा, तो ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एक एंटी क्लॉकवाइज है और एक क्लॉकवाइज है। तो अगर ये क्लॉकवाइज को आप क्या मान रहे हैं, अगर मान लीजिए क्लॉकवाइज को आप प्लस मान रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या मानेंगे, माइनस। तो देखिए अब ये फोर्स हो गया mg और ये कैसे घुमाएगा इसको, क्लॉकवाइज यानी कि प्लस, ये फोर्स हो गया N2, ये घुमाएगा इसको एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा, माइनस। अब ये फोर्स लग रहा है वर्टिकल, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये हॉरिजॉन्टल। ये डिस्टेंस कितनी थी टोटल L, और ये कितनी हो गई LY2, इसका इसके ऊपर कंपोनेंट लोगे जहां एंगल थीटा है तो वो कितनी होगी, LY2 cos थीटा।
तो mg की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी एक्सिस रोटेशन से, ly2 cos थीटा। देखिए अगर ये ly2 है तो इसका कंपोनेंट इसके ऊपर कितना हो जाएगा, ly2 cos थीटा। तो mg इंटू ly2 cos थीटा, तो जो टॉर्क हो गया mg की वजह से वो कितना होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो कितनी हो गई ly2 cos थीटा। बात करें n2 तो वो माइनस होगा क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। अब n2 फोर्स लग रहा है ये इधर, तो n2 फोर्स है हॉरिजॉन्टल, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी ये वर्टिकल। अगर ये टोटल कितनी है l, तो ये इसका कंपोनेंट इसके ऊपर कितना होगा l sin थीटा, क्यों, क्योंकि ये एंगल थीटा है, तो इसका इधर कंपोनेंट होगा l cos थीटा, तो ऊपर कितना होगा l sin थीटा। तो फोर्स हो गया n2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई l sin थीटा। आ रही बात समझ में नहीं, देखिए ये फोर्स है वर्टिकल तो इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हॉरिजॉन्टल होगी, ये फोर्स है हॉरिजॉन्टल तो इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो वर्टिकल होगी। और ये कितनी है, अगर ये डिस्टेंस ly2 है तो ये कितनी होगी, इसका कंपोनेंट cos थीटा के साथ एंगल थीटा के साथ क्या हो जाएगा ly2 cos थीटा। अगर वो डिस्टेंस ये कितनी है l, तो इसका कंपोनेंट ये पूरा होगा l sin l cos थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है, तो उधर कितना होगा ये l sin थीटा। चलिए तो ये टॉर्क हो गया किसके अबाउट, a के अबाउट। बात करें अबाउट b, इस b पॉइंट के अबाउट, तो आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ गई b पॉइंट पे, तो b पॉइंट पे जो फोर्स लग रहे होंगे उनकी वजह से टॉर्क क्या हो जाएगा जीरो। तो b पॉइंट पे कौन सा फोर्स लग रहा है mg, तो उसकी वजह से तो टॉर्क क्या हो गया जीरो। तो किस किस की वजह से बचा, n1 की वजह से, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, और n2 की वजह से। चलिए इसकी वजह से निकालते हैं पहले n2 की वजह से, n1 की वजह से, तो n1 लग रहा होगा वर्टिकल अप, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी किससे, बी से। तो अगर ये डिस्टेंस ly2 है तो ये फिर कितनी हो गई ly2 cos थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है, तो ये ly2 cos थीटा, और ये फोर्स हो गया n1, तो n1 into डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो कितनी है ly2 cos थीटा। ये कैसे घुमाएगा इसको क्लॉकवाइज, तो कैसा हो गया प्लस का। बात करें फ्रिक्शन फोर्स की, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, देखिए ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स कैसे घुमाएगा ये एंटी क्लॉकवाइज। तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से देखें तो क्या होगा, माइनस का होगा, माइनस एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी परपेंडिकुलर, वो कैसे, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो वर्टिकल होगी ये। अब ये कितनी है ly2, और ये कितनी हो गई, जब ये एंगल थीटा है तो ये कॉस थीटा थी और वो साइन थीटा है, तो ये होगी ly2 साइन थीटा। तो फ्रिक्शन फोर्स हो गया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी ly2 साइन थीटा, तो ly2 साइन थीटा, और कैसा, माइनस का, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा। अब बचा n2, n2 भी कैसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि b पॉइंट ये नीचे है, देखिए b के चारों तरफ से, ठीक। तो n2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर ये फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गई, और ये कितनी होगी ये हाफ, ये कितनी है ly2, तो ये कितनी होगी ly2 sin थीटा, ये हॉरिजॉन्टल cos थीटा और ये sin थीटा। तो n2 इंटू ly2 sin थीटा, कैसा, माइनस का, माइनस का, क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज। चलिए तो टॉर्क हो गया b के अबाउट। अब देख लें अबाउट c, इस c पॉइंट के अबाउट, तो इस C पॉइंट का अबाउट क्या है, इस C पॉइंट पर जो भी फोर्स होंगे उनकी वजह से तो टॉर्क क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि वो एक्शन ऑफ, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहे हैं, तो n2 की वजह से तो टॉर्क हो जाएगा जीरो। बचेगा कौन, एक mg, एक बचेगा या n1, और एक बचेगा या फ्रिक्शन फोर्स। चलिए n1 की वजह से देखें, तो n1 तो लगेगा या वर्टिकल, तो अगर n1 ये वर्टिकल लग रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस C पॉइंट से ये होगी, ठीक है, और ये क्या हॉरिजॉन्टल होगी, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है यही इसके n1 के क्या है, परपेंडिकुलर। चलिए n1 अगर वर्टिकल है तो वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये पूरी कितनी है l, अगर ये एंगल थीटा है तो वो भी थीटा होगा अपोजिट एंगल, अगर ये पूरी डिस्टेंस है l तो ये कितना होगा l cos थीटा, तो n1 इंटू l cos थीटा, तो n1 इंटू l cos थीटा, ठीक। ये कैसे घूमेगा इस c पॉइंट के अबाउट, क्लॉकवाइज, तो प्लस का। अब बात करें किसकी, फ्रिक्शन फोर्स की या mg, फ्रिक्शन फोर्स की बात कर लेते हैं, फ्रिक्शन फोर्स है या हॉरिजॉन्टल, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन से, देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन की लाइन ये है, और ये फोर्स किसकी, फ्रिक्शन फोर्स की लाइन है, तो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो हुई। अगर ये पूरी l थी और वो कितनी है l cos थीटा, तो ये कितनी होगी, ये एंगल थीटा है तो एंगल थीटा पे l cos थीटा, तो इधर क्या हो जाएगी l sin थीटा, तो ये क्या होगा f1, f मतलब फ्रिक्शन फोर्स इंटू l sin थीटा, माइनस का, क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा c पॉइंट पे। बात करें किसकी, mg की, mg ये है और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो किधर घूमेगा ये ऐसे, तो ये भी क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो वो भी माइनस का, तो कितना होगा mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या हो गया, देखिए ये मिडिल में हो गया ये वर्टिकल, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का हाफ, यहाँ तक कितनी थी ये l cos थीटा, तो यहाँ मिडिल से कितनी हो जाएगी, अगर ये डिस्टेंस देखें तो ये कितनी है ly2, और ly2 का ये कंपोनेंट देखूंगा तो कितना होगा ly2 sin थीटा,
तो एल वाई टू साइन थीटा, माइनस का क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉक वाइज, क्लियर। तो रिमार्क पॉइंट क्या है, याद जो रिमेंबर आपको याद रखने हैं, याद रखने जो पॉइंट, टॉर्क इज आल्सो कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स। तो जो टॉर्क है हम क्या बोल देते हैं उसे, मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोल देते हैं। व्हेन टू फोर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अगर दो फोर्स क्या है मैग्नीट्यूड में इक्वल है, एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में है, एक्ट ऑन द सिस्टम, किसी सिस्टम पे एक्ट हो रहे हैं एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, और एक्ट भी जो हो रहे हैं वो एक बॉडी पे है मगर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे है, देन सच ए फोर्स, तब इस टाइप के फोर्स को क्या बोल देते हैं, कपल बोल देते हैं। सुनिए ध्यान से, अगर दो फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हों, अपोजिट डायरेक्शन के हों, और एक ही बॉडी पे डिफरेंट पॉइंट पे क्या हो रहे हो, एक्ट हो रहे हो, तो वो क्या कहलाते हैं, ऐसे कपल्स, ऐसे फोर्स के पेयर को हम बोल देते हैं कपल्स। तो देखिए, तो दो फोर्स हों जिनका मैग्नीट्यूड सेम है मगर डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, और एक ही बॉडी पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे एक्ट हो रहे हैं, तो ऐसे फोर्स के कॉम्बिनेशन को, तो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस फोर्स यानी कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज कपल्स। तो ऐसे फोर्सों के, ऐसे फोर्स के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोल देते हैं, या ऐसे फोर्स के पेयर को हम क्या बोल देते हैं, कपल्स बोल देते हैं। चलिए, इनका अगर हम बात करें नेट फोर्स, तो जितना लेफ्ट है उतना राइट है, एक ही बॉडी पे एक्ट हो रहे हैं तो इसलिए कैंसिल हो सकते हैं, अगर डिफरेंट बॉडी पे एक्ट होते तो कैंसिल नहीं होते। तो एक ही बॉडी पे अगर दो फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो तो उनका जो नेट फोर्स है वो क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगा, मगर इनकी वजह से टॉर्क जीरो नहीं होगा। तो ये क्या है, तो ऐसा कपल, तो ऐसे फोर्स के कॉम्बिनेशन को क्या बोल देते हैं, कपल्स, जिनकी वजह से नेट फोर्स तो जीरो है मगर टॉर्क जीरो नहीं होगा। अगर इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे इसकी वजह से देखें तो टॉर्क आएगा, इसकी वजह से देखें तो टॉर्क आएगा, दोनों में डायरेक्ट, दोनों कैसे घुमाएंगे, क्लॉकवाइज, तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस, तो नेट टॉर्क क्या होगा, जीरो नहीं आता। तो दिस इज, ये कह रहा है दिस इज पॉसिबल टू हैव ए सिचुएशन इन विच नेट फोर्स इज जीरो बट नेट टॉर्क इज नॉट जीरो, नॉन जीरो। तो ये कह रहा है ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है, ऐसी सिचुएशन हो सकती है, ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि नेट फोर्स तो क्या हो जाए, जीरो, मगर टॉर्क जीरो ना हो, कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो हो मगर टॉर्क, नेट टॉर्क क्या है, नॉन जीरो, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। चलिए, तो कहने, ऐसी सिचुएशन कब होगी, तो इसका मतलब क्या है, जब नेट फोर्स जीरो है तो कोई ट्रांसलेशन मोशन तो होगा नहीं, मगर टॉर्क नॉन जीरो है, टॉर्क क्या करता है, रोटेशनल मोशन, टॉर्क देता है रोटेशनल मोशन, और जो ट्रांसलेशन मोशन, जो नेट फोर्स है वो क्या देता है, ट्रांसलेशन मोशन। तो इस ऑब्जेक्ट में ट्रांसलेशन मोशन तो क्या हो जाएगा, जीरो, मगर रोटेशनल मोशन होगा। नेक्स्ट, इफ, ये कह रहा है इट इज पॉसिबल टू हैव ए सिचुएशन इन विच नेट फोर्स इज नॉन जीरो बट नेट टॉर्क इज जीरो, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि नेट फोर्स तो जीरो ना हो मगर नेट टॉर्क जीरो हो। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में प्योर ट्रांसलेशन मोशन होगा मगर रोटेशनल मोशन इस केस में क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि नेट टॉर्क क्या हो गया, जीरो। तो टॉर्क तो देता है रोटेशनल मोशन और नेट फोर्स देता है ट्रांसलेशन मोशन। इसमें दो फोर्स लग गए, एक 50 न्यूटन का और एक 100 न्यूटन का। तो अगर नेट फोर्स की बात करें तो 50 प्लस 100 दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, और क्या एक ही बॉडी पे एक्ट हो रहे हैं तो ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, 150 न्यूटन। अगर टॉर्क की बात करें इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए, तो इसकी एक्सिस डिस्टेंस कितनी देर की, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से 2 मीटर है और इससे कितनी देर की, 1 मीटर। तो इसका टॉर्क निकालूं, 100 इंटू 1 कितना आ गया, 100 न्यूटन मीटर। उसका देखूं तो 50 इंटू 2 ये भी कितना हो गया, 100 न्यूटन मीटर। और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट निकाल लें तो ये कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज, और ये कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इसकी लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट कहाँ है, ऊपर, तो ये ऊपर घूम जाएगा, कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। इससे, इस फोर्स से एक्सिस रोटेशन नीचे है तो ऐसे घूम जाएगा, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज और वो एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स, नेट टॉर्क क्या आ जाएगा, जीरो। दूसरा, टॉर्क ऑफ ए फोर्स इज डिफरेंट अबाउट द डिफरेंट पॉइंट इन ए स्पेस। ये कह रहा है टॉर्क ऑफ ए फोर्स, एक फोर्स का जो टॉर्क है वो डिफरेंट हो सकता है, वो डिफरेंट होगा डिफरेंट पॉइंट के अबाउट, इसमें, स्पेस में। तो यही देख लो, अगर ये हमारे पास कितना है, 100, अगर ये वन डिस्टेंस की सेपरेशन पे है, अगर मान ली इस पे टॉर्क देखूं, इस पॉइंट पे इसकी वजह से टॉर्क देखूं तो कितना आ रहा, 100। अगर इस पॉइंट पर देख लूं तो सेपरेशन कितनी हो जाएगी, 3 मीटर की, और ये 100 तो कितना हो जाएगा, 300 न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो इसी फोर्स का टॉर्क इस पॉइंट पर कुछ होगा, इस पर कुछ होगा, इस पर कुछ होगा, उस पर कुछ होगा। तो एक फोर्स का जो टॉर्क है वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर क्या हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा एक ही यानी कि स्पेस में। चलिए, वेक्टर फॉर्म है टॉर्क, वेक्टर फॉर्म देखो टॉर्क की, हमारे पास ये एक पॉइंट है, मान लीजिए ए, एक ये पॉइंट है बी, इस बी पॉइंट पे एक ये फोर्स लग रहा है एफ, जो इस
इस अगर ए और बी को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है आर, उससे इस ये फोर्स कितना एंगल बना रहा है थीटा। ठीक, अब इस फोर्स की वजह से इस ये जो फोर्स है एक्ट हो रहा है बी पॉइंट पे, और हमें इस फोर्स की वजह से टॉर्क निकालना किस पे, ए पॉइंट के अबाउट, यानी कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कौन है, ए है। तो देखिए, तो जो फोर्स टॉर्क होगा वो कितना होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या कह लो परपेंडिकुलर फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो अगर हम बात करें इस फोर्स का परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट लूँ इस लाइन के अलोंग, तो जिससे एंगल इस एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है थीटा, तो इसके अलोंग फोर्स निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, और इस लाइन के परपेंडिकुलर अगर फोर्स निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा, एफ साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि अलोंग तो हो गया कॉस और इसका अलोंग क्या हो जाएगा, साइन, क्योंकि जिससे एंगल बन रहा है उससे कॉस और दूसरे से साइन। ठीक है, तो फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट किसके लॉन्ग, आर के परपेंडिकुलर फोर्स का कंपोनेंट कितना हो गया, एफ साइन थीटा इंटू परपेंडिकुलर इंटू आर। ठीक है, तो कितना हो गया टॉर्क, एफ आर साइन थीटा। अगर हम क्या करें, एफ आर साइन थीटा वेक्टर फॉर्म में आपने देखा होगा, दो वेक्टरों के क्रॉस को जब खोलते हैं तो क्या आता है, एफ आर साइन थीटा आता है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, आर क्रॉस एफ लिख सकते हैं कि नहीं, एक आर वेक्टर इंटू टॉर्क इंटू एफ वैक्टर। तो टॉर्क जो है वो एक वैक्टर क्वांटिटी है, और किससे आएगी, दो वैक्टरों के क्रॉस से, और वो दो वैक्टर कौन होंगे, आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ होगा, एफ क्रॉस आर नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि ए क्रॉस बी वैक्टर इक्वल नहीं होता बी क्रॉस ए वैक्टर के, ए क्रॉस बी वैक्टर और बी क्रॉस ए वैक्टर का मेन रूट इक्वल हो सकता है, मगर डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, अपोजिट। तो ध्यान रखना, जो टॉर्क है वो इक्वल होता है आर क्रॉस एफ। आर किससे निकलेगा, आर क्या है, पोजिशन वैक्टर है किसका, बी पॉइंट का, किसके अबाउट, ए पॉइंट के अबाउट। तो अगर R क्या है, ये वेक्टर है किसका, B पॉइंट का, किसके अबाउट, A के अबाउट। तो कैसे निकालेंगे, तो किसी कोई भी वेक्टर निकालने के मैं कई तरीके आपको बता चुका हूँ पहले लेक्चरों में। तो कैसे निकालते हैं, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल। अगर मुझे ए बी वेक्टर निकालना है तो ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल, मतलब फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। तो जो आर वेक्टर है वो कौन है, ए बी वेक्टर है, तो किससे आएगा, ए बी वेक्टर मतलब ए इनिशियल पॉइंट है, बी फाइनल है, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल, तो बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इनटू क्या कर देंगे, इनटू क्रॉस क्या कर देंगे, आर वेक्टर। तो टॉर्क जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, जो किससे निकलेगा, दो वेक्टरों के क्रॉस वेक्टर से, यानी कि एफ आर क्रॉस एफ, एफ क्रॉस आर नहीं, ध्यान रखना है। तो बी क्या है, बी जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, और ए पॉइंट क्या है, जिसके अबाउट हम टॉर्क निकालना है। ठीक है, तो अगर हम टॉर्क निकालेंगे तो कितना होगा, आर क्रॉस एफ, और आर क्या है, वेक्टर है, और वेक्टर कौन सा, तो वेक्टर कैसे निकलेगा, कोई भी वेक्टर कैसे निकलता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, इनिशियल पॉइंट कौन है, ए, और बी फाइनल पॉइंट कौन है, बी। नेक्स्ट देखिए, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, जैसे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होता था वैसे रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। अगर किसी भी सिस्टम पे नेट टॉर्क क्या है, जीरो, अगर नेट टॉर्क जीरो है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब हो गया कि उसमें जो रोटेशनल यानी कि जो सर्कुलर एक्सेलरेशन है वो क्या हो गया, जीरो हो गया, और सर्कुलर एक्सेलरेशन जीरो हुआ तो मगर वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट। तो नेट टॉर्क अगर जीरो है तो इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, इसे क्या बोलेंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इन द एब्सेंस ऑफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिजिड बॉडी डज नॉट चेंज। तो अगर नेट किसी भी सिस्टम पे, किसी भी रिजिड बॉडी पे, अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या है, जीरो है, अगर एक्सटर्नल टॉर्क क्या है, जीरो है, तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। जैसे कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या था, जीरो, तो उसकी वेलोसिटी क्या रहती थी, कांस्टेंट, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होने का मतलब एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, और एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ये क्या है, ट्रांसलेशन मोशन का इक्विलिब्रियम होता है, और वो रोटेशनल मोशन का इक्विलिब्रियम। तो रोटेशनल मोशन के इक्विलिब्रियम में क्या है, अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या है, जीरो है, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो मतलब नेट टॉर्क जीरो है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। ऐसे ही अगर नेट फोर्स जीरो है तो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम हो गया। देखिए कुछ एग्जांपल देखिए इस पे, जैसे हमारे पास क्या है, मान लीजिए एक ये हमारे पास कोई भी पाइप है या कोई भी रॉड है, ठीक है, इस रॉड को हमने क्या करा, एक हुक से दो स्ट्रिंग के थ्रू बांध दिया। ये पॉइंट क्या है, मान लीजिए इस पॉइंट को ए कह रहे हैं, इस पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, बी कह रहे हैं, ठीक। इस रॉड की लेंथ मान लीजिए कितनी है, एल है या कुछ भी है, चलिए इसकी टोटल लेंथ दे रखी है एल, टोटल मास इसका कितना है, एम। इस रॉड का टोटल मास कितना है, एम है, टोटल लेंथ कितनी है, कैपिटल एल है। इस पे एक ये रिंग और है जिस रिंग का मास है स्मॉल एम, और रिंग इस ए पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे है, ठीक है।
चलिए ये पूरा जो अरेंजमेंट है, ना तो कोई ट्रांसलेशन मोशन कर रहा, ना ही कोई रोटेशनल मोशन कर रहा है। अगर ये स्ट्रिंग बिल्कुल मजबूत है तो इसने इनको रोक रखा है, तो पूरा सिस्टम इस समय क्या है, इक्विलिब्रियम में है। और इक्विलिब्रियम कैसा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है। अगर हम बात करें तो इस पे इसके जो वेट हैं वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहे होंगे, तो इसका जो स्मॉल एम है, इसका मास होगा स्मॉल एम जी, वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। इसका मास कैपिटल एम जी, वो भी डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ये दोनों जब इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा तो स्ट्रिंग टाइट हो गई होंगी, तो इन पे टेंशन लगेगी स्ट्रिंग पे कितना, टी वन और टी टू। दोनों स्ट्रिंग, मैंने एक स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग ये है, मैंने आपको बताया अगर मासलेस स्ट्रिंग है तो हर एक पॉइंट पर टेंशन सेम होती है, मगर डिफरेंट स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी, डिफरेंट। तो अगर मैं इसमें टी वन कह रहा हूँ तो इसमें टी टू कह रहा हूँ। अगर इसमें कहीं भी किसी भी पॉइंट पर टेंशन देखोगे तो वो टी टू होगी, इसमें किसी भी पॉइंट पर टेंशन देखोगे तो टी वन होगी, मगर इसमें टी वन और इसमें टी टू होगी। चलिए खैर, अब अगर हम बात करें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की, तो इस पे नेट फोर्स क्या है, जीरो, क्योंकि ये ना तो ऊपर एक्सेलेरेट कर रहा है ना नीचे एक्सेलेरेट कर रहा है, तो नेट एक्सेलेरेशन जीरो है, तो इसलिए ट्रांसलेशन मोशन क्या है, जीरो। ट्रांसलेशन मोशन क्या है, इक्विलिब्रियम, यानी कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब अपवर्ड फोर्स इक्वल होंगे डाउनवर्ड फोर्स के। अपवर्ड फोर्स कौन है, टी वन और टी टू, और डाउनवर्ड फोर्स कौन है, स्मॉल एम जी और कैपिटल एम जी। तो ये दो टी वन टी टू मिलकर बैलेंस कर रहे होंगे किसको, स्मॉल एम जी और कैपिटल एम जी को। तो टी वन प्लस टी टू इक्वल होगा स्मॉल एम जी और कैपिटल एम जी। और दूसरा, टॉर्क इस पे क्या है, कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो टॉर्क क्या है, जीरो। तो अगर ए के अबाउट देख लो, चाहे बी के अबाउट देख लो, चाहे किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखोगे तो वो जीरो आएगा। मान लीजिए ए पॉइंट के अबाउट ले लें, तो ए पॉइंट पे कौन जो फोर्स होंगे उनकी वजह से तो टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। अगर ए पॉइंट के अबाउट निकाल रहा हूं, तो ए पॉइंट पे कौन लग रहा है, टी वन, तो टी वन की वजह से तो जीरो हो गया। बचा कौन, स्मॉल एम जी। स्मॉल एम जी इसको कैसे घुमाएगा, ये पॉइंट ऑफ एक्सिस और रोटेशन है तो कैसे घुमाएगा, क्लॉक वाइज। कैपिटल एम जी भी कैसे घुमाएगा, क्लॉक वाइज। मगर टी टू कहाँ लग रही, ऊपर, तो ऊपर तो वो कैसे घुमा देगा, एंटी क्लॉक वाइज। तो अगर ये प्लस के होंगे तो वो कैसा होगा, माइनस का। तो चलिए, स्मॉल एम जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, एक्स, क्योंकि ये वर्टिकल एक्ट हो रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, हॉरिजॉन्टल, तो वो कितनी देर की, एक्स। तो स्मॉल एम जी इंटू एक्स प्लस कैपिटल एम जी की वजह से, तो कैपिटल एम जी और ये सेंट, कैपिटल एम जी मतलब इसका सेंटर ऑफ मास, होल मास, तो होल मास तो इसके कहाँ होगा, एकदम मिडिल में होगा अगर ये यूनिफॉर्म है तो। अगर ये टोटल लेंथ एल है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, एल वाई टू। तो कैपिटल एम जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी इसकी, एल वाई टू। एल वाई टू क्यों, क्योंकि देखिए ये मास लगेगा वर्टिकल, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी इसकी, हॉरिजॉन्टल, वो कितनी होगी, एल वाई टू। तो एम जी इंटू एल वाई टू, ये दोनों प्लस के हुए। अब बात करेंगे टी टू की, टी टू कैसे घुमाएगा इसको, एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस का होगा। तो टी टू इंटू टोटल लेंथ, टोटल लेंथ कितनी है ये, एल, तो टी टू इंटू एल इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। ठीक है, दो इक्वेशन बन गई, यहां से सोल्व कर लेंगे, दो ही वेरिएबल है टी वन और टी टू। आगे देखिए क्वेश्चन, जैसे यहां देख लें सिचुएशन, सेम वही सिचुएशन है, आपके जो टी टू है वो बी पॉइंट से हटा के यहां लगा दिया, यानी कि बी, बी एंड से कितनी डिस्टेंस दूरी पे है ये, एक्स पे। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी बच गई होगी, एल माइनस एक्स, अगर ये टोटल एल है तो। अब इस ए पॉइंट के अबाउट सेम वही कहानी है, अगर ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की बात करें तो अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल होंगे, मगर आपके रिंग नहीं है, केवल सिर्फ ये रॉड है, और टोटल मास कितना है, केवल कैपिटल एम जी। तो टी वन प्लस टी टू दोनों मिलकर किसको बैलेंस कर रही होंगी, कैपिटल एम जी को। और टॉर्क भी इसके अबाउट क्या होगा, जीरो, क्योंकि कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है। तो टॉर्क ए के, ए पॉइंट के अबाउट अगर आप टॉर्क देख लें तो वो भी क्या होना चाहिए, जीरो। तो ए के अबाउट टी वन की वजह से तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो ए ही पॉइंट पर लग रहा है, ये पॉइंट क्या है, ए। ठीक, अब बात करें एम जी की वजह से तो कैसा आएगा, एंड देखिए क्लॉक वाइज तो प्लस का, तो एम जी इंटू लेंथ कितनी होगी, क्योंकि मास तो क्या होगा इसके, एकदम सेंटर ऑफ मास पर, वो कहाँ होगा, मिडिल पे। मिडिल में क्या होगा, सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है। तो वो कितना होगा, एम जी इंटू एल वाई टू, ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी होगी, ये एल वाई टू। ठीक है, तो एम जी इंटू एल वाई टू, मगर ये टी टू कैसे घुमाएगा इस ए पॉइंट के अबाउट, एंटी क्लॉक वाइज, तो ये होगा माइनस का। तो माइनस इंटू टी टू, टी टू इंटू लेंथ कितनी है ये, अगर ये डिस्टेंस एक्स है और ये टोटल कितनी है एल, तो ये कितनी बचेगी, एल माइनस एक्स। तो एम जी एल वाई टू माइनस करेंगे टी टू एल माइनस एक्स इजिकल टू क्या होगा, जीरो। यहाँ से दो इक्वेशन बनेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ देखिए एक और क्वेश्चन, ये हमारे पास सेम वही कहानी है, दो रॉड है, इसका एक, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये लेंथ कितनी है, एल है, और ये सेंट, इसका मास लग रहा होगा मिडिल में, यानी कि सेंटर ऑफ मास पे, वो कितना होगा, एल वाई टू पे। इसमें टेंशन टी वन, इसमें टी टू, तो यहाँ टी वन प्लस टी टू मिलकर बैलेंस करेंगे इसके वेट को, कैपिटल एम जी को। ठीक, अब हमने क्या करा, इस स्ट्रिंग टी टू को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दिया, इधर हमने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया है, कि मान लीजिए थोड़ी सी डिस्टेंस इधर शिफ्ट कर दिया। तो जब इधर शिफ्ट कर दिया है तो सिचुएशन तो अभी भी वही रहेगी, कितनी टी, अब टेंशन मान लीजिए चेंज हो गई टी वन डैश और टी टू डैश, तो यहाँ टी वन डैश प्लस टी टू डैश अब मिलके क्या करेंगी, इसकी कैपिटल एम जी को बैलेंस करेंगी। ठीक है, तो
तो टी वन डैश प्लस टी टू डैश इज इक्वल टू कैपिटल एम जी, पहले टी वन प्लस टी टू इक्वल क्या कर रही थी एम जी, मगर अब इस केस में जब इधर शिफ्ट कर दिया तो ये टेंशन मैंने बदली क्यों, क्या ये टी वन टी टू ही नहीं रहेंगी, नहीं, जैसे ही इस स्ट्रिंग को चेंज करेंगे तो टेंशन बदल जाएगी, क्यों, सुनिए, पहले इस टी टू का जो अगर मैं ए पॉइंट पर टॉर्च निकालूं तो नेट टॉर्च जीरो था, अभी भी ए पॉइंट पर नेट टॉर्च जीरो रहेगा क्योंकि कोई एक्सटर्नल टॉर्च तो लग नहीं रहा, अगर हम बात करें तो टी वन की वजह से तो जीरो था ही, टी वन की वजह से यहाँ भी जीरो, यहाँ एम जी की वजह से एम जी इंटू एल वाई टू, और फिर क्या वो बैलेंस कर रहा था एम जी इंटू एल वाई टू बैलेंस कर रहा था किसको, टी टू इंटू एल को, ठीक, अब हमने क्या कर दिया टी टू को इधर लिया है तो ये लेंथ हमने क्या कर दी कम, अगर ये लेंथ आप कम कर देंगे, देखिए ये लेंथ आपने क्या कर दी, पहले एल थी और अब क्या कर दी एल से थोड़ी कम, अगर लेंथ कम करेंगे तो वापस इस फोर्स को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तो टी टू डैश अब पहले से टी टू से क्या हो जाएगी चेंज, क्योंकि अगर एम जी, देखिए एम जी तो वहीं रहा और इसकी लेंथ वही रही एल वाई टू, तो एम जी की वजह से जो टॉर्क था पहले भी कितना लग रहा था एम जी इंटू एल वाई टू, अब भी कितना लगेगा एम जी इंटू एल वाई टू, और एम जी इंटू एल वाई टू यानी कि एम जी के टॉर्क को बैलेंस कौन कर रहा है टी टू का टॉर्क, और टी टू का टॉर्क पहले कितनी लेंथ के लिए बैलेंस कर रहा था एल लेंथ के लिए, अब हमने टी टू को शिफ्ट कर दिया इधर तो ये लेंथ हमने कर दी कम, जब इसे इसकी लेंथ कम करोगे तो इस फोर्स को क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा, तो जो टी टू डैश है वो क्या हो जाएगी टी टू से बड़ी होगी, तो जैसे जैसे स्ट्रिंग को इस एक्शन ऑफ रोटेशन के पास करते जाएंगे वैसे वैसे इस फोर्स को आपको बढ़ाना पड़ेगा अगर वापस वही टॉर्क आपको लेना है, इसीलिए हम क्या करते हैं जब हम क्या करते हैं किसी भी जैसे नल के हम नल का चलाते हैं पानी निकालने के लिए तो उसका जो हत्ता है वो जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना कम फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर आप पास से पकड़ोगे तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो जैसे जैसे इस स्ट्रिंग को पास करते जाओगे किसके एक्सिस ऑफ रोटेशन ए के तो उतना ही डिस्टेंस कम होगी तो वापस उतना ही टॉर्क लाने के लिए इस फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा, तो या तो अगर आप क्या करें टॉर्क अगर आपको क्या करना है अगर आपको ये फोर्स घटाना है तो इस स्ट्रिंग को और दूर ले जाइए, तो जितना दूर रखेंगे उतना डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो फोर्स कम लगेगा, और जितना पास ले जाएंगे तो डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स ज़्यादा देना पड़ेगा उसी सेम टॉर्क के लिए, तो इस केस में जब हमने स्ट्रिंग पास कर दी तो अब टी टू फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा, अगर वापस हमें टॉर्क क्या करना है कैंसिल करना है और टी टू को बढ़ाना पड़ेगा तो इसका मतलब टी टू डैश क्या हो गई, टी टू डैश क्या हो गई होगी वो टी टू से बड़ी हो गई होगी, मगर टी वन प्लस टी टू मिलकर क्या है कॉमन है तो टी वन डैश प्लस टी टू डैश भी मिलकर क्या है एम जी के इक्वल है, अब हमने क्या कर दिया T2 डैश को बढ़ा दिया तो T1 डैश क्या हो गई होगी घट गई होगी, तो इसलिए इस जैसी इस स्ट्रिंग को यहाँ पास करेंगे तो इसमें टेंशन बढ़ गई होगी और T1 में टेंशन क्या हो गई होगी घट गई होगी, तो ध्यान रखेंगे जैसे ही हम क्या करेंगे स्ट्रिंग को एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास ले जाएंगे तो उसमें टेंशन क्या हो जाएगी इंक्रीज, अगर दूर ले जाएंगे तो टेंशन क्या हो जाएगी डिक्रीज, और इस वाली स्ट्रिंग में अगर टेंशन इंक्रीज हुई है तो दूसरी में डिक्रीज हो जाएगी, और अगर इसमें इंक्रीज डिक्रीज हुई है तो उसमें क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी, क्लियर, नेक्स्ट देखिए एक प्रॉब्लम और समझे, ये हमारे पास कोई एक रॉड है, इस रॉड को हमने क्या है एक स्ट्रिंग से बांध रखा है ठीक, और स्ट्रिंग इस पूरी लेंथ ये कितनी है एल, टोटल मास कितना एम, और यूनिफॉर्म रॉड है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है बिल्कुल मिडिल में लग रहा होगा कितना एल वाई टू पे, यहाँ से एक स्ट्रिंग बांध रखी है जो इस एंड से कितनी डिस्टेंस दूरी पे है एल वाई थ्री पे, एक हमने ये हुक इसमें लगा रखा है जिस हुक पे ये रखी हुई है यानी कि हुक के थ्रू ये पिंच है यहाँ, तो ये हुक की जो डिस्टेंस है वो इधर से कितनी है एल वाई फोर, और यहाँ से एल वाई फोर उधर से एल वाई टू, तो ये बची हुई डिस्टेंस कितनी रह गई होगी फाइव एल वाई ट्वेल्व, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा ठीक, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी एल वाई टू, और ये एल वाई फोर हो गए तो ये कितनी बची होगी एल वाई फोर ठीक, अब ये हुक क्या करेगा इस पर एक फोर्स लगाएगा यानी कि एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, एक ही स्ट्रिंग में टेंशन आ जाएगी टी क्योंकि इसका वेट डाउनवर्ड लगेगा एक्ट ठीक, अगर हम क्या करें इस हुक के थ्रू ये कह रहा है फोर्स बताना है किसके थ्रू, फोर्स बताना है ये हुक जो है इस पे ये इस रोड पे कितना फोर्स लगा रहा होगा ठीक है, तो फोर्स बताना या उल्टा कह लो कि ये रोड इस हुक पे कितना फोर्स लगा रही होगी, तो मान लीजिए इस हुक पे दो फोर्स हो गए एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस, चलिए खैर वेट होगा डाउनवर्ड एम जी और वो मिडिल में होगा सेंटर में क्योंकि यूनिफॉर्म है तो इससे डिस्टेंस कितनी होगी एल वाई टू, जब ये एल वाई फोर है तो ये भी कितनी बची होगी एल वाई फोर क्योंकि टोटल कितनी होनी है एल वाई टू, इसके अबाउट हम क्या कर लें टॉर्क, इसके अबाउट अगर मैं टॉर्क देखूं तो वो नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए क्योंकि कोई इस अरेंजमेंट पे कोई अदर से एक्सटर्नल से तो कोई फोर्स लग नहीं रहा, कोई अलग से दूसरा आदमी इस पे आके फोर्स नहीं लगा रहा है तो इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अभी नहीं लग रहा है तो इसमें नेट टॉर्क क्या होना चाहिए जीरो, चलिए इसके अबाउट मैं टॉर्क क्या ले लूँ जीरो,
तो अगर मैं बात करूं तो इस पे जो फोर्स होंगे उसकी वजह से तो टॉर्क क्या हो गया, जीरो। तो बस सिर्फ किसकी वजह से बचा, एक फोर्स बचा एम जी और एक ही टेंशन। एम जी चाहेगी, एम जी कैसे घुमाना चाहेगी इसको क्लॉकवाइज, तो उसकी वजह से टॉर्क अगर प्लस का होगा तो कैसे, टेंशन कैसे घुमाएगी इसको एंटी क्लॉकवाइज तो कैसा होगा माइनस का। चलिए एम जी की वजह से निकालें, तो एम जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस रोटेशन से कितनी हो गई एल वाई फोर, तो एम जी इंटू एल वाई फोर ये प्लस का होगा। आप टेंशन की वजह से निकालें तो टेंशन की वजह से कैसी होगी वो माइनस की, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी। तो टी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितनी बची, अगर ये एल वाई थ्री है और ये टोट और ये एल वाई फोर है तो मिडिल का कितना बचेगा, ये एल फाइव एल वाई ट्वेल्व। तो टी इंटू फाइव एल वाई ट्वेल्व माइनस का इजिकल टू क्या होना चाहिए, जीरो। ठीक है, तो यहां से एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरा, अब इस पे नेट कोई भी एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं लग रहा, तो नेट फोर्स भी क्या होना चाहिए, जीरो। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स भी जीरो और वर्टिकल फोर्स भी जीरो। हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है, हॉरिजॉन्टल तो कोई फोर्स इस पर लगता नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या होगा, जीरो। वर्टिकल देखें तो एक तो टेंशन लग रही टी और एक डाउनवर्ड कौन लग रहा एम, और एक ये हुक के द्वारा फोर्स लग रहा होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी हुक के द्वारा इस पर। ठीक है, उसे मैंने क्या बोल दिया, एफ वाई। तो अपवर्ड फोर्स कौन है, एक तो एफ वाई और एक टी, तो एफ वाई प्लस टी मिलकर किसको बैलेंस कर रहे होंगे, इसके एफ जी को। तो ये दो इक्वेशन बन गई है, इन्हें सोल्व कर लेंगे और नेट फोर्स आ जाएगा, एफ वाई यहां से निकल जाएगा दोनों से, एफ एक्स क्या है जीरो, तो नेट फोर्स आ जाएगा इसके। क्लियर, ठीक है। देखिए अब एक इसमें एक लास्ट टॉपिक और समझे, टॉपलिंग, यह इसे बोलते हैं टिपिंग। ठीक है, मतलब पलटना। ये हमारे पास कोई बॉक्स है, इस बॉक्स का मास है एम और ये यूनिफॉर्म बॉक्स है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो एकदम मिडिल में होगा। इसकी ये हाइट हमें कितनी दे रखी है ए, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो मिडिल में हो गया कितना, ए वाई टू। तो अगर ये डिस्टेंस ए वाई टू, तो ये भी कितनी हो गई, ए वाई टू, ये सेंटर ऑफ मास हो गया। ठीक है, हमने क्या करा, इसके टॉप एज पे एक फोर्स लगाया एफ, तो ये फोर्स एफ यहाँ लगाएगा और ये क्या है, रफ सरफेस है। ठीक, ये क्या है, एक रफ सरफेस है। तो जैसे इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये फोर्स इस ब्लॉक को स्लिप करने की कोशिश करेगा इधर, जैसे इस पे फोर्स लगा तो ये स्लिप कर देगा इधर। अगर ये क्या करा, स्लिप करने की टेंडेंसी करेगा। अब स्लिप करेगा कि नहीं करेगा वो डिपेंड करेगा यहाँ फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है। तो जैसे इस पे हमने ये फोर्स लगाया तो इसकी टेंडेंसी होगी फॉरवर्ड स्लिप करने की। तो जैसी टेंडेंसी फॉरवर्ड स्लिप करने की होगी तो इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा किधर, रिवर्स। वो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, इसकी स्लिपिंग का अपोज करेगा। तो जैसी इसकी टेंडेंसी होगी फॉर, अगर राइट वर्ड स्लिप करने की होगी तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग जाएगा, लेफ्ट साइड। ठीक, चलिए अगर ये क्या है, ये स्लिप कर गया, ये फ्रिक्शन फोर्स इसकी स्लिपिंग को रोक नहीं पाया और ये स्लिप कर गया, तो बस ये स्लिप करता चला जाएगा। ठीक, और अगर ये फ्रिक्शन फोर्स इतना हुआ कि इसकी स्लिपिंग को क्या है, इसके फोर्स के इक्वल हुआ, तो यानी कि इसने क्या कर दिया, इसको इसकी स्लिपिंग को अगर रोक दिया इस फ्रिक्शन ने, तो फिर ये स्लिप नहीं करेगा। अब स्लिप नहीं करेगा तो आप इस पर फोर्स बढ़ाएंगे तो ये फ्रिक्शन फोर्स और बढ़ेगा, आप इस पर फोर्स और बढ़ाएंगे तो ये फ्रिक्शन फोर्स और बढ़ेगा, और ये बढ़ता चला जाएगा। और अगर ये स्लिपिंग, एक टेंडेंसी आएगी कि ये स्लिप कर जाए, और ये स्लिप नहीं करने दे रहा, इसको स्लिप नहीं करने दे रहा, तो जब इस पर फोर्स बढ़ाओगे तो देखिए, या तो सिचुएशन ऐसी बनेगी जैसे जैसे इस पर फोर्स बढ़ाओगे वैसे वैसे फ्रिक्शन बढ़ेगा, और एक टेंडेंसी आएगी कि ये फ्रिक्शन फोर्स का बढ़ना बंद हो जाए, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू पर आ जाए और ये स्लिप कर जाए। अगर ये स्लिप कर गया तो फिर ये पलटेगा नहीं, उसमें ट्रांसलेशन मोशन हो जाएगा। अगर ये क्या है, फ्रिक्शन फोर्स क्या है, इस फ्रिक्शन फोर्स इसको स्लिपिंग नहीं करने दे रहा, और स्लिपिंग नहीं करने दे रहा, उससे पहले आप इसने क्या करा, फोर्स ने या तो इसको टेंडेंसी करेगा स्लिप कराने की, और ये फ्रिक्शन फोर्स इतना अवेलेबल हमारे पास है कि इसको स्लिप नहीं करने दे रहा, तो ये क्या होगा, एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि ये पलटना स्टार्ट हो जाएगा, ये पॉइंट क्या है, उठना शुरू हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर स्लिपिंग हो गई तब तो बिल्कुल भी ये पलटेगा नहीं। चलिए, तो ये कब नहीं, कब पलट जाएगा, जब ये फ्रिक्शन फोर्स, ये एफ जो है इसके क्या हो जाए, ये फ्रिक्शन फोर्स इस एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस करे रखे, यानी कि इसको स्लिप ना करने दे। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल हमने यहाँ सरफेस क्या ली है, रफ सरफेस ली है, और ब्लॉक इज नॉट स्लिपिंग, और ये कंडीशन मान ली है कि ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहा। ठीक है, चलिए, स्लिप नहीं कर रहा तो ये पॉइंट क्या होगा, उठेगा। तो ये पॉइंट, जैसे ये फोर्स इसको उठाएगा, तो समझिए, जब ये यहाँ से ये पॉइंट उठ जाएगा, ऐसे ये ब्लॉक ऊपर उड़ जाएगा, तो ये सरफेस ऐसे आ जाएगी यहाँ। ठीक है, तो ये सिर्फ कहाँ से कॉन्टैक्ट में रहेगी, इस पॉइंट के कॉन्टैक्ट में रहेगी, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो यहाँ नहीं होगी, यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि अब यही पॉइंट क्या होगा, जैसे ये पॉइंट इधर से ऊपर उठ जाएगा तो केवल यही पॉइंट ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में रहेगा, तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो यहाँ लगेगी। क्लियर, चलिए, तो अब इस पर फोर्स देख लें कौन कौन से लगेंगे। एक्सटर्नल फोर्स लगाया एफ, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इधर, इस पर इसका वेट लगेगा डाउनवर्ड एम जी, और एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी ऊपर अपवर्ड एफ। मगर इस पे नेट टॉर्क क्या है, अगर हम बात करें नेट टॉर्क की,
तो देखिए, तो अगर नेट टॉर्क की हम बात करें तो इस पे नेट टॉर्क क्या है, जीरो। अगर हम बात करें तो यहाँ पे टॉर्क अगर हम देखें किसकी वजह से, एफ की वजह से, किसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर इसका टॉर्क हम देखें तो फोर्स एफ लग गया ये हॉरिजॉन्टल, और इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किससे, इस सेंटर ऑफ मास से, वो कितनी हो गई ए बाई टू, क्योंकि टोटल डिस्टेंस है ए, तो एफ इंटू ए बाई टू। और ये कैसा घुमाएगा, क्लॉकवाइज, तो प्लस। ये फ्रिक्शन फोर्स भी इधर है, और ये भी कैसा घुमाएगा, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन है, सेंटर ऑफ मास, तो फ्रिक्शन फोर्स ये है और इसके ऊपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ऊपर ऐसे घूमेगा तो क्या होगा, क्लॉकवाइज, तो ये भी प्लस। तो एफ इंटू डिस्टेंस कितनी हो गई, ए बाई टू। मगर ये जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो कहीं यहाँ शिफ्ट हो गई होगी, जब अगर ये शिफ्ट उठ नहीं रहा तो नॉर्मल रिएक्शन ये होगी, और जैसे ये उठना शुरू करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन इधर शिफ्ट हो जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन कहीं इधर होगी। क्यों, क्योंकि देखिए इन इन दो ये दोनों फोर्स मिलकर क्या कर रहे हैं, इसको घुमाना चाह रहे हैं इधर, और ये टॉर्क इधर घुमाना चाह रहा है, मगर कोई ना कोई फोर्स चाहिए जो इसके टॉर्क को वापस बैलेंस करे, जबी तो नेट फोर्स जीरो होगा, क्योंकि अभी ये रोटेट नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन अगर इसी पॉइंट पर लगा दिया तो उसकी वजह से टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो, तो इसलिए नॉर्मल रिएक्शन कहीं इधर शिफ्ट हो जाएगी। मान लीजिए कितनी डिस्टेंस शिफ्ट हो गई, एक्स, तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी ऊपर, और वो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है तो वो ऐसे घुमा देगी इसको एंटी क्लॉकवाइज, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, अपवर्ड लगेगी, और इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक्स हो जाएगी, तो एन इंटू एक्स, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी तो माइनस की। ये नेट मिलकर टॉर्क क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल कोई इस पर टॉर्क नहीं लग रहा। चलिए अब क्या होगा, अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए, अब जब ये स्लिप नहीं कर रहा, स्लिप नहीं कर रहा, तो इसका मतलब जितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा उतना ही फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किसके इक्वल हो गया होगा, एक्सटर्नल फोर्स के, तभी तो ये स्लिप नहीं कर रहा। तो यहाँ पे एफ की जगह मैं क्या, इस फ्रिक्शन फोर्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल एफ लिख सकता हूँ। तो ये कैपिटल एफ ए बाई टू और कैपिटल एफ ए बाई टू, तो ये पूरा कितना हो गया, एफ ए, दोनों को जोड़ लें, क्योंकि स्मॉल एफ की जगह कैपिटल एफ रख सकता हूँ, तो ये हो गया एफ इंटू ए, और इजिकल टू क्या होगा, एम एम एक्स, एम जी नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होगी, अपवर्ड फोर्स बैलेंस करेगा डाउनवर्ड फोर्स को, तो अपवर्ड फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन, डाउनवर्ड फोर्स कौन है, एम जी, तो नॉर्मल रिएक्शन की जगह क्या लिख सकता हूँ, एम जी इंटू एक्स, तो यहाँ से एफ ए इजिकल टू आ गया एम जी इंटू एक्स, या एक्स इजिकल टू कितना हो गया, एफ अपॉन एम जी इंटू ए। अब क्या होगा, देखिए मैं जैसे ही इसको ये फोर्स लगाऊंगा तो नॉर्मल रिएक्शन थोड़ी सी इधर बैलेंस होगी, इधर शिफ्ट होगी इसको बैलेंस करने के लिए इसके टॉर्क को, और ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तो और ज़्यादा टॉर्क होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन और इधर भागेगी, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन की खुद की वैल्यू तो फिक्स है mg, तो अब ये अपने नॉर्मल रिएक्शन अपने टॉर्क को कब बढ़ा सकती है, जब x को बढ़ाए, तो x यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और जैसे ही नॉर्मल रिएक्शन इस पॉइंट पर आया तो अब जस्ट कंडीशन आ जाएगी पलटने की, अगर जरा सा भी इसको फोर्स को और बढ़ा दिया तो नॉर्मल रिएक्शन तो और अपने टॉर्क को नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इसके इस s से बाहर नहीं जा सकती, बॉडी से बाहर नहीं जा सकती, तो अब ये क्या हो जाएगा, तो ये जो फोर्स है इसका टॉर्क बढ़ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगी, बॉडी पलट जाएगी। तो ये कब तक नहीं पलटेगी, जब तक एक्स की वैल्यू ए वाई टू के इक्वल हो, ठीक है। तो देखिए, तो ये सिचुएशन आ गई, तो ये कह रहा है टू इंश्योर नो टॉपिंग, ये कह रहा है कि हम कब तक इंश्योर रहेंगे कि बॉडी पलटे ना, तो तब तक इंश्योर रहेंगे जब तक एक्स की वैल्यू ए वाई टू से ए वाई टू के इक्वल हो या ए वाई टू से कम हो, मतलब जब तक नॉर्मल रिएक्शन इस एच पे हो या इससे अंदर हो, इससे बाहर की जरूरत पड़ी तो ये पलट जाएगी। क्लियर हो गई बात, तो ये सिचुएशन आ गई, डायरेक्ट ऐसे ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट ध्यान कैसे, ध्यान समझो कि क्या बात है, तो आपको ये फॉर्मूला रटना नहीं है, आपको समझना है कि इसका जो टॉर्क है, ये जो एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स है, इन दोनों का जो टॉर्क है वो इस बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो इसे रोकने के लिए क्या चाहिए, एक एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज सेंटर ऑफ मास के अबाउट कौन देगा, नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन की वजह से टॉर्क टॉर्क कब आएगा, जब नॉर्मल रिएक्शन अगर सेंटर ऑफ मास पे लग रही होगी तब तो उसकी डिस्टेंस जीरो हो जाएगी, तो नॉर्मल रिएक्शन की वजह से जो टॉर्क होगा वो जीरो होगा, तो जीरो होना नहीं है, इसको बैलेंस करना है, तो नॉर्मल रिएक्शन इधर शिफ्ट होना शुरू कर देगी, और जब तक इसके बॉडी के अंदर रहेगी या एच पर रहेगी तब तक इसको पलटने नहीं देगी, तब तक इसको रोके रखेगी, और जब इतनी ज़्यादा टॉर्क हो जाए कि नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस ना हो, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन की जो टॉर्क है वो एक्स पूरा हमने यहाँ तक लिया और उसके आगे ये जा नहीं सकता नॉर्मल रिएक्शन, तो फिर उसके केस में क्या हो जाएगा, ये पलटी मार जाएगा, पलट जाएगा। चलिए तो अब यहाँ देखें, तो ये क्या है, यानी कि जो x है, x मतलब f अपॉन एम जी इंटू ए, तो f अपॉन एम जी इंटू ए वो कम हो या छोटा हो किससे, ए वाई टू से, a से a कट हुआ तो यहाँ से सोल्व कर लेंगे, एम जी इधर पहुँच गया, तो जो f है या तो x की फॉर्म में ले लो या f की फॉर्म में ले सकते हैं, डिस्टेंस की फॉर्म में ले सकते हैं या किसकी फॉर्म में ले सकते हैं, x की,
एफ की, तो एफ क्या होना चाहिए, छोटा हो या इक्वल हो किससे, एम जी वाई टू से। अगर ये एक्सटर्नल फोर्स एम जी वाई टू से बड़ा कर दिया तो ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। दूसरी कंडीशन, जब ये ब्लॉक क्या कर जाए, स्लिप कर जाए, ब्लॉक इज स्लिपिंग। अगर ब्लॉक स्लिप कर गया तो उस केस में तो क्या होगा, उस केस में देखिए, जब ये स्लिप कर गया होगा तो अब जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब अब एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो बैलेंस नहीं हो रहा, इसकी वजह से ब्लॉक स्लिप कर गया। तो इस केस में क्या होगा, अगर इसकी वजह से टॉर्क देखूं तो एफ इंटू ए वाई टू, एफ इंटू डिस्टेंस क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कितनी हो गई ए वाई टू, प्लस फ्रिक्शन फोर्स इधर वो कितना होगा, फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू एन, और एन कितना होगा एम जी, तो म्यू एम जी इंटू डिस्टेंस इसकी भी कितनी होगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए वाई टू, ठीक है, माइनस एन इंटू एक्स, एन मान लीजिए एन नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई तो कितनी डिस्टेंस शिफ्ट हो गई एक्स, तो वो बैलेंस करेगी, नॉर्मल रिएक्शन की जो टॉर्क है वो इन दोनों फोर्स को बैलेंस करेगी, एन इंटू एक्स, ठीक है। अब इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना हो गया था म्यू एन, और एन क्या होगा एम जी, और म्यू भी कौन सा, काइनेटिक, काइनेटिक क्यों, क्योंकि स्लिपिंग हो गई अब, तो उस केस में एफ एफ और फ्रिक्शन फोर्स अलग अलग हो गए, तो एफ प्लस म्यू एम जी ए वाई टू, ए वाई टू दोनों जगह से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, वो इजिकल टू हो गया कितना, वो इजिकल टू हो जाएगा एन एक्स, एन किसके इक्वल है एम जी इंटू एक्स के, तो यहाँ से एक एक्स की नई वैल्यू निकल कर आएगी, तो वो क्या होगा एफ इजिकल टू कितना जी, ये क्या हो गया एफ इंटू फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स कितना है ये म्यू एम जी अपॉन क्या हो गया ये पूरा टोटल एम जी इंटू क्या होगा ए वाई टू, ठीक है। तो आप सोल्व कर सकते हैं, इसे रटने की जरूरत नहीं है, ये समझिए कैसे आ रहा है, ठीक है। अभी जब इस पर आगे क्वेश्चन करेंगे तब समझेंगे, तो बेसिक लेक्चर था किसका, रोटेशनल मोशन का, ठीक है। थोड़ी सी एक और बात देखिए इसमें, तो देखिए एक्स की वैल्यू निकल कर आ गई थी ये, और कब, जब ये स्लिपिंग कर रहा था, अगर वो कहे कि फोर नो स्लिपिंग नो टॉपिंग, यानी कि तो नो टॉपिंग का केस आ गया, तो जब स्लिपिंग होगी तो उसमें टॉपिंग तो होगी नहीं, तो टॉपिंग नहीं होगी तो इसका मतलब एक्स की जो वैल्यू है, एक्स की जो वैल्यू है वो ए वाई टू से इक्वल, ए वाई टू से छोटी होनी चाहिए या उसके इक्वल होनी चाहिए, अभी हमने देखी कंडीशन, तो वो कंडीशन भी यहाँ लगा दो आप, ठीक है। ये वैल्यू किसकी आ गई थी, एक्स की, एक्स की जगह यानी कि हम क्या कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू ये आ गई थी, तो एक्स क्या होना चाहिए ए वाई टू से छोटा या उसके इक्वल होना चाहिए, ये कंडीशन लगाएंगे, तो यहाँ से एक ये कंडीशन सोल्व करेंगे। देखिए इसको हम क्या करेंगे, ए वाई टू से ए वाई टू कैंसिल, तो ये हो गया वन, ये एम जी इधर पहुँच जाएगा, कितना हो गया एम जी, तो एफ प्लस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए एम जी से, यहाँ से और सोल्व करेंगे तो एफ निकालेंगे तो इसको इधर ले जाइए, तो ये क्या होगा एम जी कॉमन आ जाएगा, तो वन माइनस म्यू के इंटू एम जी, तो ये फोर्स की टर्म्स में आ गया, ठीक है। तो एक्स की टर्म्स में निकाल लिया और फोर्स की टर्म्स में, दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दें, जब ये टपलिंग करेगा, जब ये पलटेगा, तो उस केस में एक्स क्या होना चाहिए और एफ क्या होना चाहिए, और जब ये नहीं पलटेगा तब उस केस में एक्स क्या होना चाहिए और एफ क्या होना चाहिए। इस पर ज़्यादा आप ध्यान मत दो क्या है क्या नहीं, इस फॉर्मूले को रटना नहीं है, अभी इस पर इस टाइप के हम बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में करेंगे, वहीं सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्लियर। एक बात आपको ध्यान रखनी है इसमें कि फिजिक्स में क्या करना है, देखिए दो बातें मैं आपको बताऊं, बहुत सारी कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं मगर आप लोगों को बताता नहीं, क्योंकि क्या है कि टीचर अगर बहुत ज़्यादा बोले लेक्चर में तो सोचते हैं पता नहीं क्या बकवास कर रहा है, ठीक है। मगर एक बात मेरी ध्यान रख लें, फिजिक्स पहली बात तो फॉर्मूले रटने से नहीं होगी, अगर आप फॉर्मूले रटने की कोशिश करेंगे या फिजिक्स में कोई भी शॉर्ट ट्रिक करने की कोशिश करेंगे तो आप इसमें गद का खा जाएंगे। फिजिक्स सिर्फ आपको समझनी है, आपको देखना है कि ये जो फॉर्मूला है ये किस तरीके से, क्या आप फिजिक्स में आप फॉर्मूला याद न रखें, इक्वेशन याद रखें, किस बैलेंसिंग को किस क्या बैलेंसिंग लगा के क्या इक्वेशन बना दी, उस वो ढंग वो तरीका याद रखें कि किस कौन सी इक्वेशन बना रहे हैं, किस फोर्स को कहाँ से क्या बैलेंस कर रहे हैं, आप इक्वेशन कैसे डेराइव हो रही इस बात पे गौर दीजिए, इसका फाइनल रिजल्ट क्या रहा है उस पे जोर देने की जरूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करोगे तो मार खा जाओगे, तो ये क्या है एक सोचने का सब्जेक्ट है और बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा पता नहीं लोग बाग कैसे इसको हार्ड कहते हैं, हार्ड तभी कहते हैं शायद आप इसके फॉर्मूले रटते हैं। अगर आप क्या करेंगे देखें कि कहां से दो पॉइंट इसमें लगते हैं, हर एक क्वेश्चन अभी आप मैं जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आप देखिए हर दूसरी या तीसरी लाइन में क्या होगा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। पहले आपको एप्लीकेशन लगाना सिखा दें, यानी कि इसकी इक्वेशन बनाना सिखा दें, कैसे इक्वेशन बनती हैं और कैसे फिर फर्स्ट तो सोल्व तो आप कर ही लोगे, ठीक है।
तो फिजिक्स में आपको ध्यान देना है कि ये बात देखनी कि कहाँ से किस फोर्स की बैलेंसिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस पर थोड़ा सा समझने का सब्जेक्ट है, रटने का नहीं है। और एक और बात ध्यान रखनी है कि फिजिक्स या कोई भी सिलेक्शन, ठीक है, किसी भी सिलेक्शन में, कोई भी दुनिया का कोई भी सिलेक्शन हो, चाहे लाइफ का सिलेक्शन हो, चाहे जॉब का सिलेक्शन हो, चाहे डॉक्टर बनने का सिलेक्शन हो, चाहे इंजीनियरिंग बनने का सिलेक्शन हो, या कामयाबी का, लाइफ में बहुत सारी कामयाबी हैं या लाइफ में बहुत सारी खुशियां हैं, ठीक है, उनका सिलेक्शन हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ पास कब होता है, जब आप मोटिवेट हैं। तो मोटिवेशन अगर मेरे से आप पूछें तो परसेंटेज अगर मैं बताऊं तो 60% सिर्फ मोटिवेशन की है और 40% आपका वर्क, ठीक है। तो वर्क को चाहे आप और भी घटा सकते हैं, तो 60 या कह सकते हैं यानी कि 60 या 70% काम करता है कामयाबी में मोटिवेशन। आपको अच्छे से कोई मोटिवेट करता हो, और दूसरी बात वो मोटिवेट करे, कोई आपको मोटिवेट करे, ये बात डिपेंड करती है 30%, मगर उस मोटिवेशन को आप कितने परसेंट मानते हैं, ये बात परसेंटेज निकल कर आती है 70%। तो आप ध्यान रखें, अगर आप अच्छी सी फिजिक्स का, अपनी फिजिक्स बहुत अच्छी करना चाहते हैं, तो आपको कुछ बातें जो मैं मोटिवेशन की बताता हूँ वो आपको सुननी पड़ेंगी, या आप किसी और से मोटिवेट हो, किसी भी बात से आपको कुछ भी अच्छा लगे, मतलब मोटिवेट रहें। और पहली बात तो ये समझें कि आप नहीं कर सकते तो और कौन करेगा। एक छोटी सी बात बैठ के सोचिए, अगर ये चीज़, ये फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, कोई भी चीज़ है लाइफ की, ये मुझसे नहीं होगी तो और कौन करेगा। अगर मान लीजिए तुमसे नहीं होगी, कोई और करेगा, इसका मतलब आप कमतर हो, आप डाउन हो, आप छोटे हो उससे। नहीं, मुझे तो नहीं लगता आप छोटे हो, आपको शायद लगता हो। देखिए, आप अंदर अपने थोड़ा सा सोच के देखिए, मतलब आप खुद क्या सोच रहे हो, आप कमतर सोच रहे हो दूसरों से। अगर आप नहीं करेंगे तो इसका मतलब और कौन करेगा, आप ही तो हो जो कर सकते हो इसको, ठीक है। तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छे अच्छे से मैं मोटिवेशन आपको दूंगा। बहुत सारे लोग लेक्चर वीडियो डालते हैं, मोटिवेट करते हैं, मुझे तो यही नहीं पता वो मोटिवेट कर रहे हैं कि आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर, चलिए, मैं वैसे जो मोटिवेशन कोई भी बात कहूँगा तो वो लेक्चर के लास्ट में डालूंगा। आपको पसंद आती है तो आप उसको सुनिए, और आपको पसंद नहीं आती तो जहाँ आपका लेक्चर की बात खत्म हुई आप वहाँ से वीडियो को यानी कि लेक्चर को स्टॉप कर दें, ठीक है। चलिए।